हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं साइंस टू के सेवेंथ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव चैप्टर है आपको माइक्रोबायोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लेकिन ये आपको समझना है कि आज हम बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे कंफ्यूजिंग से बहुत सारे अजीब से पहली बार लाइफ में देखने वाले वर्ड्स देखने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो मतलब छोटा एकदम स्मॉल माइन्यूट बहुत ही ज्यादा छोटा साइज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं ये चीज हम देखेंगे और उनको कैसे हम अपने लाइफ में हमारे अलग अलग कामों में अपने खाने से लेके अलग अलग कपड़ों की बात करें या हर एक अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं एंड हमारी लाइफ में उनका जो क्या योगदान है उनके हेल्प से हमारी लाइफ कैसे थोड़ी सी बेटर हो जाती है ये हम देखेंगे सबसे सिंपलेस्ट अगर आप सबको जो पता होगा वो है जो योगट जो सिंपल हम यहाँ पर योगट और कर्ड में बहुत कंफ्यूजन होता है हमेशा लोगों को बट यहाँ पर हम पहले ही क्लियर कर देते हैं हमारे लिए योगट और कर्ड एक ही हम फिलहाल पकड़ेंगे उसको ओके okay? एंड जो दही है बेसिकली वो दही कैसे फॉर्म होता है ये आप सब जानते हो कि दही हम घर पे भी बना सकते हैं एंड उसके अंदर एक्चुअल में वो मिल्क ही जो है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ रिएक्शन हो रहा है कुछ कुछ उसके अंदर हो रहा है जिसके वजह से दही बन रहा है सो so, ये चीज सब ही जानते हैं सबसे कॉमन जो हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम का इस्तेमाल हमारे डे टू डे लाइफ में सो so, यही चीज हम डिटेल में देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है पहले मैं आपको वीडियो चालू करने से पहले ये चैप्टर आप चालू करने से पहले आपको मैं बोलना चाहूंगा प्लीज प्लीज कार्बन लेट मी राइट दिस फॉर यू गाइस कार्बन कंपाउंड टॉपिक जो हमने किया है कार्बन कंपाउंड कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर पहले आप वीडियो देख लीजिए ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए साइंस वन का हमारा नाइन्थ चैप्टर जो है वो पढ़ लीजिए देर इज अ रीजन मैंने पहले वो वीडियो पहले बनाया और उसके बाद ये बनाया साइंस टू का ये सेवन चैप्टर आप पहले ये चैप्टर पढ़ ले कार्बन कंपाउंड्स उसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और हेल्प होगा समझने में चीजें कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड उससे रिलेटेड पे पे कैसे हम वर्ड्स इस्तेमाल करने वाले अलग अलग टर्मिनोलॉजीज कुछ ना कुछ आने वाली है तो ये मेरा आपको सजेशन रहेगा दैट इज द रीजन मैंने चैप्टर नाइन पहले वहां पे कंप्लीट किया वीडियो एंड फिर अब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे सो so, प्लीज अगर आपने अभी तक कार्बन कंपाउंड नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा मुश्किल और लग सकता है जब हम कुछ वर्ड्स यूज करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ओके सो वॉच दैट फर्स्ट और फिर हम ये चालू करेंगे सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले तो माइक्रोब्स हमें किस तरह से यूजफुल आ यूजफुल होते हैं तो हम ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर ली कि हमें डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं हमें योगट बनाने में कर्ड अपना दही बनाने में पनीर बनाने में चीज आप जो जो पिज्जा बर्गर्स में हम जो चीज इतना पसंद है हम सबको वो वो जो है वो कैसे बनता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका ही शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं माइक्रोब्स माइक्रोब्स इज नथिंग बट द शॉर्ट फॉर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया अलग अलग तरह की जो हमें काम आती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है ये कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं तो यही प्रोडक्ट के नाम हो जाते हैं ओके माइक्रोब्स डिफरेंट कौन से हैं, तो बैक्टीरिया फंगाई प्रोटोजुआज ये सारे अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है सो व्हाट इज अप्लाइड तो हम पहले भी जैसे हिस्ट्री का हमने देखा था अप्लाइड हिस्ट्री क्या हमने अप्लाई करनी है वैसे राइट अप्लाइड हिस्ट्री तो माइक्रोबायोलॉजी यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ रहा हूं मैं वो मैं अप्लाई कर रहा हूं मैं वो चीज कहीं पे यूज कर रहा हूं मैं साइंस uh, लैब में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उसको मैं अपने डे टू डे लाइफ में कहीं पे यूज कर रहा हूँ टू मेक मेडिसिन टू मेक फूड स्टफ्स टू मेक क्लोदिंग्स टू मेक वेरियस डिफरेंट आर्टिकल और सब्सटेंसेज अलग अलग उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उसके ऊपर जो मैं स्टडी कर रहा हूं वो चीज को सो so, ये हो गया अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी तो पहले अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या यहां हम देखेंगे हम रीड करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ दिलेटेड टू समरियो एंड यू कैरियोटिक माइक्रोब्स प्रोटीन अप्लाइड जेनेटिक्स मॉलिक्युलर बायोलॉजी एटसेट्रा इज परफॉर्म

होते हैं न्यूक्लियस होते किसी के नहीं होते हैं ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो कमेंट में मुझे बताइए कि प्रो क्या है यू क्या है ओके सो so, इसी को हम जब अप्लाई करेंगे हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने में अलग अलग चीजों को बनाने में तो वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी होगी दिस स्टडी इज यूज ये जो स्टडी हमने की ये सारी चीजों के ऊपर इज यूज फॉर द सोसाइटी एंड वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक फूड मेडिसिन आर प्रोड्यूसड ऑन अ लार्ज स्केल विद्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सिंपल भाषा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की हमने अलग अलग माइक्रोब्स की स्टडी की हमने और वो स्टडी को हम पहली बात कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी इसको कहा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी ये पूरा एक ब्रांच ही आती है जब आप साइंस uh, फील्ड में जाओगे और साइंस फील्ड में आगे आपको कोई मेजर चूज करना होगा आपका तो उसमें ये पूरा एक फील्ड ही हो जाता है पूरा माइक्रो बायोलॉजी तो so, माइक्रोबायोलॉजी और यही जब हम हमारे सोसाइटियल यानी लोगों के लिए यूज करेंगे फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ फूड्स मेडिसिन ये सब चीज के लिए मेड्स ये सब चीज के लिए तो उसे हम कहेंगे अप्लाइड माइक्रो बायोलॉजी ओके वेरी सिंपल वेरी इजी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी तो एकदम सिंपल अब अगर मैं उसको कमर्शियली ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करूंगा फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करूंगा तो वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन वेरियस इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेसिस यूजफुल फॉर दिस पर्प आर कैरिड आउट तो एकदम आपको सम, समझना है एकदम टेक्निकल वर्ड टू वर्ड उसका दिया हुआ उन्होंने कि ये चीज अब कमर्शियल लेवल पे लाने के लिए हमने उसको इंडस्ट्रीज में यूज किया फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया फैक्ट्रीज में अल्कोहल एक सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल देता हूं तो अल्कोहल जो हम दारू जो इतना जो चलता है एल्कोहल एल्कोहल बोलो या वाइन बेसिकली वाइन तो आपको पता ही होगा वाइन वाइन ये wine कैसे बनता है? है, बनता है है ग्रेप्स सड़ जाती सड़ी हुई से राइट तो ये जो सड़ी हुई जो मैं बोलता हूं तो क्या सड़ी हुई एक्जैक्टली exactly? वो एकदम कैसी सड़ी हुई इट मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसके ऊपर हमला हो चुका है इट मींस कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसके ऊपर हमला हो चुका है और तब जाके उसमें एक जो खटासपन है या जो उसमें जो एक वैसी क्वालिटी एक पर्टिकुलर उसका एक टेस्ट जो आ जाता है जिसकी वजह से लोगों को वो पीने में अच्छा लगता है तो वो बिकॉज ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अब उसको हम कमर्शियली इस्तेमाल कर रहे हैं वाइन बनाने में सो so ये हो आपका हो गया इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ओके फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मेन फीचर्स क्या है वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस तो फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन यानी कि क्या होता है जैसे हम सिंपल भाषा में अगर फर्मेंटेशन आपको एक्सप्लेन करूं तो ये बोलूंगा मैं आपको जो हम कहते हैं कभी जब ढोसा बनाना होता है या कोई ऐसा कोई सब्जी बनाना होता है दाल वगैरह का ऐसा कुछ तो उड़द की दाल आपने सुना होगा उड़द की दाल तो मम्मी आपके घर पे क्या करती है वो रात भर भिगोने रख देती है उसे राइट और कहती है कि ये पूरे मतलब पानी में रहेगा पूरे टाइम के लिए बाद में हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे तो ये जो एक प्रोसेस है पूरी रात उसको रखने का पानी में या इस तरह से उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं तो उसी बेस पे हम लोग क्या क्या चीजें बनाते हैं ब्रेड चीज वाइन वाइन को भी हम लोग ग्रेप्स को फर्मेंट करके रखते हैं उसको पानी आपने किसी मूवी में ऐसा सीन या कोई आ, कहीं पे देखा होगा आ, बड़ा ऐसा उन्होंने लाइक वाइन का जो वाइन मेकिंग का जो जगह होता है वहां पे उन्होंने बड़ा सा बकेट लगाया रहता है वहां पे लोगों को यू नो इनवाइट करते हैं जो अपने पाओ से ग्रेप्स क्रश करते हैं तो ग्रेप्स uh, पानी में और uh, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्सड रहता है उसके अंदर जिसके अंदर वो लोग पाओ से ऊपरा क्रश करते हैं एंड यू नो वाइन क्रिएशन का प्रोसेस पूरा चालू हो जाता है सो so, ये सारी चीजें चीज वाइन एंड रॉ मटीरियल्स फॉर केमिकल्स एनजाइम्स ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं हेल्प ऑफ माइक्रो है यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल तो ये पूरे चैप्टर में हमारा मेन पूरा इसी चीज के ऊपर होगा एक पूरा खाने पीने से रिलेटेड हमारा फूड मेडिसिन से रिलेटेड पूरा हम पढ़ेंगे एंड दूसरा हम एनवायरमेंट को कैसे बचाते हैं पॉल्यूशन वगैरह कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी सा चैप्टर है तो सीधी सी बात है वीडियो हमेशा की तरह लेंदी होगा तो इसे पार्ट्स में देखिएगा एंड बुक पेन लेके बैठेगा हमेशा की तरह और प्लीज जब भी जब भी कोई नया नाम आता है तुरंत वीडियो पॉज करके उसे लिखिएगा उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा और उसको एटलीस्ट पांच से दस बार उसको बोलिएगा ओके okay? तो ही ये सारे नाम आपको याद होंगे ओके okay? ये सारे मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताते जा रहा हूं कैसे आप इस चैप्टर को सिंपल बनाए और मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स भी आपको कुछ पैटर्न बताऊंगा मैं आपको मीनिंग समझा दूंगा वर्ड के जिससे आपको याद रहेंगे वो जो एकदम ही अजीब नाम आने वाले अलग अलग वो आपको थोड़े बहुत याद रखने में हेल्प हो जाएगी ओके लेट्स स्टार्ट सबसे पहले प्रोडक्ट्स की जो हम बात कर रहे थे सबसे पहले प्रोडक्ट्स डेरी प्रोडक्ट्स डेरी प्रोडक्ट्स यानी जितना भी हमारा मिल्क प्रोडक्ट हो जाएगा डेरी प्रोडक्ट उसे कहा जाता है days, तो अब ये कह रहे कि बहुत ही पुराने टाइम से ही एंशियंट डेज से ही मिल्क जो है जो हम बाहर रखेंगे निकाल के तो जल्दी ही वो खराब हो जाता है तो ये एक्चुअली जो खराब होता है वो खराब किसके वजह से हो रहा है वो खराब हो रहा है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं नाउ समझो एक बार ऐसे हुआ कि माइक्रो ऑर्गेजम ने उस पर अटैक कर लिया एंड वो दही बन गया और किसी ने वो एक दिन वो खाया और पता पड़ा अरे यार ये दूध को ये क्या हो गया और वो खाया और पता पड़ा अरे दही या, योगर्ट या जो भी हम इसको आगे और प्रोसेस करके चीज बटर में कन्वर्ट करेंगे ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट इन्वेंट हुए रहेंगे है ना कि एक बार ये खराब हो गया और वो गलती से इन्वेंशन हो गए इसी तरह से ये चीज आई होगी तो डेज में हमने मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए हमने प्रिजर्व यानी जो हम ज्यादा समय तक फिर यूज कर सके तो हमने देखा कि जैसे ही हम उसे कर्ड कर्ड या आ, कर्ड या दिस, दूसरे किसी आ, टाइप में चेंज कर देते थे चीज बटर में तो हम उसे ज्यादा टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब सिर्फ मुझे अब एक दिन में उसे खत्म नहीं कर रहा मैं उसे महीने तक भी चला सकता हूं तो ये उसकी खासियत है एक्चुअल में देखा जाए तो चीज बटर दही आपका जो भी है वो एक्चुअल में मिल्क जो बिगड़ गया है जो खराब हो चुका है वो है वो चीज खराब हो चुका है वो एक तरह से हम बोलेंगे उसको माइक्रो ऑर्गनिज्म पर अटैक है लेकिन सिंस ये माइक्रो ऑर्गनिजम्स हमारे लिए अच्छे हैं हमारे लिए बेटर है हमारे लिए गुड है देयर आर गुड बैक्टीरियास देयर आर बैड बैक्टीरियास तो ये हमारे लिए गुड है इसीलिए ये हम बड़े Uh, अच्छे से एंजॉय करते हैं और ये कमर्शियली अवेलेबल होते हैं और हम सब इसे खाते पीते हैं ओके सो एग्जांपल्स एग्जांपल्स दिए हैं चीज बटर क्रीम कैफ़िर योगर्ट कैफ़िर इज समथिंग जो यू uh, नो you know, थोड़ा सा स्वीट uh, सा होता है खाने की ही आइटम होती है एक तरह की ओके okay? uh, तो दैट इज कैफिर योगर्ट एट्सेट्रा वॉटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस

उनका जो लाइक वो तपेला होता है बड़ा सा पतेला जो बड़ा सा तपेला जो जो आपको बोलना है है बोलिए उसमें जो दही होता है, वो जब है आपने नोटिस किया होगा कितना पानी अलग से फिर जमा होते होता है कितना पानी अलग से जमा होते। जो पूरा एक दही एक पूरा उनको फ्लैट रहता है लेकिन जैसे जैसे वो लोग दही धीरे धीरे निकालते जाते धीरे धीरे उसमें पानी फिर से जमा होने लग जाता है वो सारा पानी दही में कहीं ना कहीं स्टोर्ड अप था राइट सो ये ये बता रहे बेसिकली कि वाटर कंटेंट वो होल्ड करके रखा हुआ था तो मिल्क का पानी पूरा जो है वो एक तरह से अंदर ऐसा बन जाता है कर्ड के अंदर दही के अंदर कि उसका एसिडिटी चेंज हो जाता है उसका टेक्सचर यानी वो दिख कैसे दिखता है वो चेंज हो जाता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और थोड़ा सा फ्लेवर उसमें आ जाता है जो हमें अच्छा लगता है जो हमें ये जो खराब हो चुका मिल्क है वो हमें एक्चुअली टेस्ट में अच्छा लगता है इसीलिए हम उसे खाते पीते हैं कैंसिल कराया गया था लेकिन इसमें बस यही बात लिखी है हम रीड कर लेंगे इसको द प्रोसेस दीज प्रोसेस आर परफॉर्मड ऑन लार्ज स्केल विथ मोर स्किल इसी चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से uh, किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ दिल्क प्रोडक्ट बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो मौजूद है वो खुद ही ये सारे काम कर सकते हैं लेकिन हम उसको एक्चुअल में आगे देखेंगे कि हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खुद से भी बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है ओनली चीज इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ फंग यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात एक हो गई जो आपको एज ए जनरल नॉलेज थोड़ी पता होनी चाहिए कि प्रोडक्शन okay? तो जो पूरा प्रोसेस चलता है वो सेम होता है मिल्क इज पैस्राइज एट द बिगनिंग यानी कि उसको गर्म किया जाता है ताकि अनवॉन्टेड अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाए इनएक्टिव हो जाए इट इज देन फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबसिलाई तो लैक्टोबसिलाई वो एक बैक्टीरिया का नाम है सबसे पहला बैक्टीरिया का नाम आपको आ गया लैक्टो बसीलाई नाउ ये वर्ड को हम ब्रेक डाउन कर देंगे लैक्टो इसलिए उसका नाम है क्योंकि लैक्टिक एसिड वो बनाएगा लैक्टो इसलिए वर्ड है क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा ओके okay? तो ये आपका हिंट हो गया बसीलाई शेप का नाम है तो यहाँ पे आप जैसे जैसे अलग अलग आप यू you नो know, बैक्टीरिया के नाम पढ़ते जाओगे उसमें वो उनके जीनस यानी स्पीशीज जीनस किंगडम होते हैं ना अलग अलग हमने ये सारी चीजें फर्स्ट सेकेंड चैप्टर्स में देखा था मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था तो उनके जीनस के नाम होते हैं उसके अंदर उनके स्पीशीज होते हैं अलग अलग अगर दो नाम दो वर्ड है मतलब उसके अंदर उसका स्पीशीज भी में, मेंशन किया गया है जैसे हमारा होमोसेपियंस होता है वैसा है होमो इरेक्टिस तो ये हमारा स्पीशीज के नाम ये सारा एक साथ हम देते हैं राइट सो तो वैसे जीनस के नाम होते हैं मोस्टली उनके ओके एंड उसके ऊपर फैमिली नेम्स होते हैं कौन से फैमिली को वो बिलोंग करता है ओके सो तो ये इस इस हिसाब से नेमिंग दी जाती है थोड़ा ये दिमाग में रखिएगा तो ये भी थोड़ा एक आपको हेल्प होगा कि ये सब क्यों ऐसे नाम है तो बहुत जगह कॉमन चीज मिलेगी आपको ओके सो तो ये लैक्टो बसीलाई बसीिलाई इज अ शेप बेसिकली रॉड रॉड शेप टाइप होता है रॉड शेप तो उसे बसीलाई कहा जाता है रॉड शेप रॉड शेप जो होता है उसे बसीलाई कहा जाता है तो आई होप आप ये याद रखेंगे रॉड शेप एरोबिक बैक्टीरिया को बसीलाई ग्रुप कहा जाता है और यहाँ पे सबसे पहला आपका बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टो जो हम मिल्क में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं फॉर फॉर द जैसे आपको कहा कि लैक्टिक एसिड बना बन, बनाता है इसलिए उसका नाम है वो एंड मिल्क प्रोटीन आर कोएग्युलेटेड नाउ कोएग्युलेटेड यानी कि प्रोटीन जितने भी है वो सारे एक साथ जुड़ जाते एक साथ जमा होने लग जाते हैं ओके okay? उसे कोएगुलेशन कहा जाता है बिसाइड्स कंपाउंड्स विद द टेस्ट एंड फ्लेवर्स आर आल्सो एग्जांपल कंपाउंड हैज द फ्लेवर ऑफ बटर तो ये देखिए ये सबसे आपको अब नाम पता होगा इसलिए मैंने आपको बोला कार्बन कंपाउंड पड़ेगा तो एक तरह का कंपाउंड है तो ये बटर का जो आपका टेस्ट होता है बटर का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है राइट तो वो टेस्ट किसके वजह से आता है डाई एसिटाइल उसके अंदर होता है उसके वजह से ये टेस्ट आता है है ओके लेट्स रीड अहेड प्रोडक्ट्स सो योग बेसिकली हम यहाँ पे उसको दही ही समझिएगा आप योग दही में कोई खास इतना फर्क नहीं है ओके okay? हमारे लिए स्पेसिफिकली इंडिया के लिए हम योग दही एक ही हम पकड़ते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पर योगट मतलब आप दही लेके ही चलिए तो ज्यादा आपको मतलब सही रहेगा ये योगट प्रोडक्ट्स योगट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस हेल्प ऑफ लैक्टोबसिलाई इनोक्यूलेंट इनोक्यूलेंट का मतलब क्या होता है तो हमने मिल्क के अंदर तो ऑलरेडी बैक्टीरिया था मिल्क के अंदर ऑलरेडी ये बैक्टीरिया मौजूद है लेकिन हमें थोड़ा सा और उसके अंदर ये बैक्टीरिया डालना है तो हमने ये जो एक्स्ट्रा डाला है कोई भी चा, कोई भी चीज हम एक्स्ट्रा हम उसके अंदर मिक्स कर रहे कोई भी चीज हम मिक्स कर रहे किसी के अंदर तो वो जो चीज होती है जो हम मिक्स कर रहे हैं उसे हम इनोक्यूलेंट कहे जाते हैं इनोक्यूलेंट वो

अब घर पे तो हम उसको कोई पाउडर फॉर्म में यूज नहीं करते घर पे अगर हम दही बनाते तो क्या करते अब मम्मी क्या करती है जनरली लास्ट टाइम का थोड़ा सा दही जो बचा होता है वो गरम मिल्क गरम करती है मिल्क उबालती है और उसके अंदर लास्ट टाइम का एक चम्मच खाली दही डाल देती है और उसको रात भर उसको पूरा कवर करती है कपड़े से और उसको रात भर कहीं कोने में रख देती है तो सुबह आप देखोगे तो पूरा लाइक वो दही फॉर्म हो जाता है पूरी तरह से राइट तो ये आपने, आपने पता नहीं देखा होगा आपके घर पे या या नहीं किया है तो आप ट्राई करिएगा बहुत ही सिंपल सा है आपको दूध गर्म करना है दैट इज पैस्राइजेशन एंड दही आपके पास अभी अलग से तो यीस्ट uh, फॉर्मेशन तो होगा नहीं तो आप क्या करोगे पुराना दही या थोड़ा सा एक चम्मच दही अलग से मिक्स करोगे और फिर उसको खाली पूरी तरह से कवर करना अच्छी तरह से और कहीं अः यू नो एक कोने में रख देना फ्रीजर में मत रखना फ्रीजर में नहीं होगा ठीक है उसको वार्म वार्मेम्परेचर चाहिए रहता है तो बाहर कहीं पे कोने में रख देना अंधेरे में ठीक है सो उससे सुबह आप देखोगे बेसिकली लाइक ट्वेल्व ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद तो आपको पूरा का पूरा आपका वो दही एकदम बहुत ही लाइक यू नो प्यारा सा दही मिल जाएगा जो ज्यादा एसिडिटी एसिडिटी वाला भी नहीं होगा यानी खटास भी ज्यादा नहीं होगी एकदम परफेक्ट सा दही होगा वो ओके

थर्मोफिलिस पूरा एक ही नाम है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस अब ये थर्मोफिलिस का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं ताकि थोड़ा नाम याद रहे ठीक है therm, therm, याद होगा आपको therm, 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 right? तो therm, therm का मतलब होता है हीट बेसिकली और फिलस वर्ड जो है वो एक्चुअली फिलिक वर्ड से आता है विच मीन्स जिसको जो ये पसंद है इट यू लाइक दिस लाइक लाइक like, तो जिसको हीट पसंद है हीट पसंद करने वाला तो ये जो है बैक्टीरिया इसको हीट पसंद है जिससे जिसको हीट टेम्परेचर पसंद है तो उसे आ, थर्मोफिलस बैक्टीरिया कहेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ओके तो यानी हीट लाइकिंग बैक्टीरिया यानी जिनको वार्म टेम्परेचर हीट वाला टेम्परेचर पसंद है ओके तो ये कुछ कुछ वर्ड्स के ऐसे मैं आपको मीनिंग्स बताता जाऊंगा जो जो लाइक मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया जिससे मुझे लाइक ये सारे वर्ड्स के थोड़े मीनिंग पता पड़े और डिटेल में तो ये मैं आपको थोड़ा इजी हो जाए इसलिए ये सारे वर्ड्स बताता जाऊंगा आप भी ये लिखते जाइएगा तो स्ट्रैप्टोस एंडलस नाउ अभी तक हम देख रहे थे लैक्टो बसीलाए। तो बसीलाई का अब आप बोलोगे सर ये क्या बसीलस क्यों कर दिया तो ये कुछ नहीं है सिंगुलर प्लुरल वाला बात हो गया है ओके तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सो लेस डेलब्रिकी आर एडेड टू इट इन टू वन प्रोपोर्शन तो ये अब देखो लैक्टोबसिलस उसके जीनस का नाम हो गया उसका एक और स्पीशीज टाइप हो गया डेलब्रिकी तो ये भी नाम देखिए बड़ा अजीब सा है डेलब्रिकी ओके okay? तो ये एक टाइप है उसका पर्टिकुलर जैसे लैक्टोबेलिस बहुत सारे अलग अलग होते हैं तो उसमें एक टाइप है डेलब्रिकी वो यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है वन इजू वन प्रपोर्शन में वन एस टू वन यानी दोनों इक्वल मात्रा में डाला जाता है लैक्टिक एसिड इज फॉर्मड अब इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रैप्टोकॉकस दैट मेक्स द प्रोटीन टू जेल आउट जिससे प्रोटीन पूरा अलग होते जाता है एक साथ आ, क्या हमने पढ़ा था वर्ड कोआगुलेट होते जाता है एंड gives डेंस और जमा होते जाता है Coagulation मतलब क्या होता है है एक तरह से जमा होते जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे Dance होते जा रहा गाढ़ा होते जा रहा है है वो Consistency to the yogurt, वो ठीक पूरी तरह तरह से consistently एक तरह से एक गाढ़ा हो जाता है एसिडल अब ये देखिए ये वर्ड हमने कार्बन कंपाउंड में पढ़ा था राइट लाइक कंपाउंड ऑफ फॉर्म ड्यू टू लैक्टोबाई दैट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू दूगर्ट तो लैक्टोबिलाई एक जो उसका जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो उसे प्रोवाइड करता है क्योंकि वो क्या फॉर्म करता है एसिटल डेहाइडल फॉर्म करता है इज अ कार्बन कंपाउंड जो आपने हमने पढ़ा था पहले ही नाउ वट इज वेरियस फ्रूट जूसेज आर मिक्स विद टू इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर्स एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी योग बनाना योगट तो ये सब आपको पता ही होगा कि आप डिबाट वगैरह जाओगे तो आपको वहां पे देखने मिलेगा कि फ्लेवर्ड फ्लेवर वाले योग आपको मिलेंगे सारे अलग अलग फ्रूट फ्लेवर्स के साथ मिक्सड जिससे क्या होता है शेल्फ लाइफ ऑफ योगिक प्रॉपर्टी जहां पर हम बेचने के लिए शेल्फ पे रखते हैं राइट? Like, तो है, राइट तो शेल्फ लाइफ यानी कि वो ज्यादा समय तक हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं तो पैस्चुराइजेशन से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है एंड प्रोबायोटिक यानी कि अच्छे बैक्टीरिया को हम प्रो बायोटिक कहते हैं बेसिकली प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज उसकी और बेटर हो जाती है ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट योगर्ट प्रोडक्ट्स, इसके सारे पॉइंट इसके नाम वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट हमने करा उसे पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा नोट बना लीजिएगा बटर टू टाइप्स ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वैरायटी सो so, एकदम सिंपल था ये तो स्वीट क्रीम टाइप का एक बटर होता है कल्चर्ड कल्चर्ड बेसिकली जो हमें बनाते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ज्यादा वो कल्चर्ड यानी कल्चर्ड यहाँ पे कल्चर्ड वर्ड कल्चर किसको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक लाइक पूरा हम बैच एक पूरा समझो एक चम्मच भर बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं एक चम्मच भर मैं जैसे यूज कर रहा हूं तो मैं एक कल्चर उसको मैं कल्चर वर्ड इस्तेमाल करता हूं तो कल्चर एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ओके सो उसे कल्चर कहा जाता है वो एक उतने से हमने समझो कोई पैट्री डिश में ले लिया या कोई कप में ले लिया तो उसे हम कल्चर कहा जाता है उसकी पूरी कॉलोनीज को एक पूरा हम उसे कल्चर कहते हैं ठीक है सो कल्चर्ड आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल एंड माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वेराइटी तो मैंने जैसे कहा कि कल्चर्ड वेराइटी के लिए हम माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं ओके फोर्थ है आपका चीज प्रोडक्शन तो चीज प्रोडक्शन भी अगेन विद द हेल्प ऑफ यू नो माइक्रो ही होते हैं चीज इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम द एबेंडेंटली अवेलेबल काउ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आफॉर्म सम माइक्रोब्स लाइक लैक्टो बसीलस लैक्टिस लैक्टोबैसिलस क्रिमोसिस तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि लैक्टोबैसिलस जो है वो एक उसका जीनस नेम हो गया अब उसके बहुत सारे टाइप है तो ऊपर हमने एक टाइप देखा डेलब्रिकी यहां लैक्टिस एक टाइप आ रहा है दूसरा एक टाइप आ रहा है क्रिमोरिस तो ये आप याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस लैक्टोबैसिलस क्रिमोरिस ओके स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस होता है उसका जो चीज का एक खटास होता है थोड़ा सा वो उसमें आ जाता है आफ्टर दिस टू इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर वे एक तरह का प्रोटीन होता है वे अगर आपको पता होगा वे प्रोटीन लाइक वो जो न्यूट्रिशन बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं वे का डब्बा ही होता है पूरा वे प्रोटीन तो वो वे प्रोटीन इज बेसिकली क्या है ये इट इज अ अडक्ट एक तरह का बाई प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट क्या होता है हम बना कुछ और रहे थे जैसे कि हम यहाँ चीज बना रहे थे पनीर बनाते वक्त भी वे काफी बनता है तो हम मेन चीज बना रहे थे लेकिन साथ ही साथ ये भी बन गया तो जो पानी जो पूरा अलग हो जाता है ना जो पानी कंटेंट पूरा जो अलग हो जाता है ये सब बनाते वक्त चीज वगैरह बनाते वक्त पनीर बनाते वक्त वो पानी के अंदर ये वे कलेक्ट हो जाता है इसको ये अलग से वो लोग पाउडर फॉर्म में करके ये अलग से डब्बे बेचते हैं न्यूट्रिशन के डब्बे बेचते हैं बॉडी बिल्डर्स लोग खरीदते हैं मोस्टली वे प्रोटीन ओके सो ये आपको लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी रिमूव्ड इसमें से हम वो निकाल देते हैं एन एंजाइम रेनेट ऑप्टीन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल वॉज बींग ट्रेडिशनली यूज अर्लियर हावे एन एंजाइम प्रोटीस Obtained from fungi is used at present to प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है इतना सब होने के बाद हमने बैक्टीरिया वगैरह मिक्स कर दिया हमने मिल्क पहले तो हमने देखा कि मिल्क पूरा हर जगह पे वर्ल्ड पे अलग अलग अवेलेबल है सबके पास उसमें हमने उसको पहले केमिकली प्रोसेस करके उसको टेस्ट कर दिया मिल्क को अच्छी तरह से और उसके बाद उसके अंदर हमने लैक्टोबेसिलस लैक्टिस एंड लैक्टोबेसिलस क्रिमोरिस के साथ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस मिक्स कर दिया उसके बाद उसका यू नो पूरा सारनेस उसके अंदर आ गया उसका डेंस टेक्सचर होने लग गया वे हमने अलग से निकाल दिया अब हम क्या करते हैं अब हम उसके अंदर एंजाइम मिक्स करते हैं तो पहले के जमाने में रेनेट नामक जो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है जो लाइक like, बेसिकली आपका जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है बॉडी के अंदर का इंटेस्टाइन ये सब पूरा वहां अंदर से एक कैटल्स के अंदर से लिया यूज किया जाता था लेकिन ये अब एक तरह से नॉनवेज हो जाएगा राइट हम लोग एनिमल का अगर ये यूज करेंगे तो ये नॉनवेज हो जाएगा तो वेजिटेरियन के लिए लाइक like, आज की तारीख में हम लोग क्या यूज करते हैं आज की तारीख में हम एक फंगाई से मिलने वाला एंजाइम यूज करते हैं इज जिसका नाम है प्रोटीज और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा एंजाइम्स के जितने भी नाम आने वाले हैं जरा नोटिस करिएगा एंजाइम के जितने भी नाम आने वाले हैं सबके पीछे ना ये एस सी आपको ये पैटर्न मिलेगा ओके okay? तो एंजाइम्स के जितने नाम आएंगे ये आपको पैटर्न जरा नोटिस करेंगे वहां आगे जाके ओके okay? सो so, वेजिटेरियन चीज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रो टीज इस्तेमाल करते हैं नाउ इसकी एक स्टोरी है कैसे ये चीज का इन्वेंशन कैसे हुआ था तो पहले के जमाने में क्या होता था हम लोग एनिमल्स का हम लोग एनिमल्स के लाइक like, यू uh, नो you know, चीजें इस्तेमाल करते थे स्किन इस्तेमाल करते थे तो उसके जो स्टमक शीप इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे अच्छी तरह से याद है शीप का जो लाइक like, गट होता है लाइक like, उसका पेट का जो होता है उसका बैग बनाया गया था और एक एक चराहे ने या जो भी वो फार्मर या जो भी वो व्यक्ति था उसने उसके अंदर मिल्क स्टोर किया था उसके अंदर मिल्क वो लेके ट्रैवल कर रहा था तो जब वो ट्रैवल करके लाइक जब भी जहां पे भी वो पहुंच गया तो उसने मिल्क के अंदर देखा कि कुछ अजीब सा मिल्क नहीं बचा है वो बैग जो शीप के पेट से बना है एलिमेंट्री कैनाल से बना है वो अंदर कुछ अजीब सा बन चुका है तो उसने खाया वो चीज तो वो एक्चुअली चीज का इन्वेंशन वैसा कुछ हुआ था तो ये जो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैटल के एलिमेंट्री कैनाल से वो तो उसमें तब वो मिक्स होके गलती से इन्वेंशन हुआ था एक तरह से हम बोल सकते इसका ओके तो यही फिर हमने आज की तारीख में तो काफी इसमें हमने बेहतरीन तरीके से उसको बनाने का पूरा प्रोसेस ही सीख लिया है चीज के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं अगर आपको पता होगा तो

पिगमेंट्स एंड फ्लेवर्स चीज के हम अलग अलग टाइप्स करने के लिए उसको ये सारे अलग अलग प्रोसेस से लेके जाते हैं देन चीज इज प्रेस्ड एंड एंड कट पीसेस फॉर राइपनिंग और उसको फिर काट के उसके टुकड़े जो है उसके ऊपर उसको प्रेस यानी कपड़ा पूरा लगाया जाता है उसको और प्रेस किया जाता है बचा हुआ पानी सब कुछ निकाल देने के लिए और फिर उसको स्टोर किया जाता है और फिर जितने जितना हम स्टोर करेंगे जितने टाइम तक स्टोर करेंगे उस बेसिस पे उसकी क्वालिटी उसका टेस्ट धीरे धीरे चेंज होते जाता है उसकी लाइक हार्ड हार्ड हो जाता है हार्डनेस बढ़ जाती है जो एकदम फ्रेश चीज होता है वो एकदम ही सॉफ्ट होता है वाइटिश होता है जितना चीज आप आप ये ट्राई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट एक नॉर्मल सा चीज लीजिएगा उसको ओपन करिएगा और ऐसे ही थोड़ी देर आप ओपन रखिएगा तो देखिएगा पूरा येल्लोइ होने लगेगा वो व्हाइट होगा वो पूरा येल्लोइ होने लग जाएगा एंड कड़क हो जाएगा पूरा का पूरा वो कड़क हो जाएगा तो इसी तरह से अलग अलग टाइप ऑफ चीज फॉर्म होते हैं जो अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं चीज स्लाइज आपको पता ही होगा चीज स्लाइज एक अलग आते हैं चीज क्यूब्स अलग होते थोड़े से तो क्यूब्स की मैं बात कर रहा था अगर आप क्यूब को ओपन करेंगे एंड थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रखेंगे तो वो कड़क हो जाएगा और येलोइश हो जाएगा यहाँ पे इसके अंदर डू यू नो में आपको वही आपको बताया गया है कि कैसे अलग अलग चीज यू नो कौन से अलग अलग चीज है एंड कब कैसे इस्तेमाल होते तो आप ये सिंपली पढ़ सकते हो नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोबायोटिक्स नाउ प्रोबायोटिक्स एकदम सिंपल हम पहले भी नाम यूज कर चुके प्रोबायोटिक्स तो मैंने आपको बताया बेसिकली जो गुड जो बैक्टीरिया है एक्टिव बैक्टीरिया हम बेसिकली कहेंगे उसे एक्टिव बैक्टीरिया इसका हम एक्टिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्टिव बैक्टीरिया मतलब

तो वो एक्चुअली क्या है इट इज फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स उसमें वो लोग कहते भी है कि ये प्रोबायोटिक्स है पूरा आप पियेंगे तो आपकी लाइक like इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपका पेट सही करेगा क्योंकि आपके इंटेस्टाइन और आपके स्टमक ये हर जगह पे हमारे पूरे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जहां पे गुड बैक्टीरियाज भी है बैड बैक्टीरियाज भी है तो ये पूरा प्रोबायोटिक्स जो है वो गुड बैक्टीरियाज है जो हमें और चाहिए हमारे बॉडी के अंदर ताकि वो बैड बैक्टीरियाज को मारते जाए उसको खत्म करते जाए और हमें कोई बीमारी या जो भी हमें कोई प्रॉब्लम है वो ना हो दीज आर ऑल्सो मिल्क बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया एग्जाम्पल एसिडोफिलस ना देखो हमने ऊपर देखा था थर्मोफिलस याद है तो एसिडोफिलस यानी एसिड एसिड acid जिसको एसिडिक फॉर्म पसंद है एसिडिक फॉर्म वाला एसिड लाइकिंग वाला तो फिलस वर्ड ये बार बार मैं आपको ये एक्चुअली ये सब चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं तो जो एसिड फॉर्म एसिड वाला चीज जो फॉर्म होता है एसिड बनाता है बेसिकली, तो मुझे याद है एग्जैक्टली केसाइन केसाइन बोलेंगे मेरे से इसको बाइफिडो बैक्टीरियम बिफिडम तो ये एक और देखिए भयंकर सा नाम बाईफीडो बोलेंगे बिफिडो बोलेंगे बाईफीडो बैक्टीरियम बिफीडम एटसेट्रा ये सब अलग अलग नाम हो गए प्रोबायोटिक्स के तो ये पूरा लिस्ट बना लीजिएगा आप लिख लीजिएगा दीज मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मैंने आपको वही बोला कि आपके बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स वगैरह के अंदर जो है आपका फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ठीक है आपके फूड में कितनी बार फाइबर फाइबर को आपका पेट डाइजेस्ट नहीं कर सकता उसको कौन डाइजेस्ट करता है उनको माइक्रो ऑर्गेजम जो मौजूद है आपके इंटेस्टाइन के अंदर वो डाइजेस्ट करते, है, okay? so करते हैं ओके सो ये हेल्प करते हैं हमें गुड बैक्टीरिया माइक्रोब्स लाइक क्लॉस्ट्रीडम तो ये पहला बैड बैक्टीरिया का नाम हम देख रहे हैं पहली बार तो ये भी आप लिख लीजिए बैड बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में अगर है मौजूद तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है क्लोस्ट्रिडम क्लोस्ट्रिडम ओके तो ये लिख लीजिएगा क्लोस्ट्रिडम बैड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लाइक योगर्ट फिर सॉरक्रॉट सॉरक्रॉट इज बेसिकली कैबेजेस कच्चे कैबेजेस का पिकल जैसा बनाया जाता है ओके सो डार्क चॉकलेट्स मिसो सूप मिसो सूप भी मेरे ख्याल से आई एम नॉट रॉंग जापानिस आइटम है ये मिसो मिसो सूप Uh, uh, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से क्या है तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करके हम ये सारी चीजें बनाते हैं जो सारी की सारी प्रोबायोटिक है प्रोबायोटिक एंटी प्रो का ऑपोजिट क्या होता है प्रो का हम कहते हैं ना प्रो है बंदा प्रो प्लेयर आप लोग गेम वगैरह में वर्ड यूज करते हैं प्रो तो प्रो यानी कि उसमें माहिर है तो यहाँ पे प्रो बायोटिक यानी इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर गुड बैक्टीरियाज मौजूद है जो बैक्टीरियाज हमें हेल्प करते हैं वो सारे के सारे प्रो लेवल वाले ऐसा प्रो बैक्टीरियाज ओके okay? सो so, प्रो नाउ नेक्स्ट आ ऑलरेडी तो बता दिया कि हमारे बॉडी के अंदर हार्म पहुंचा सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो पूरा इंटेस्टाइन है एलिमेंट्री कैनाल पूरा हो गया पेट वेट सब कुछ आपके बॉडी आपके हाथ आपके मुंह में आपके हर जगह बैक्टीरिया है ठीक है तो ये आपको हार्मुल माइक्रोब से बचाने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक्स की Uh, you know, आज की तारीख में बढ़ चुकी है राइट right? वही आंसर लिखा होगा सब अपनी कैनाल एंड कंट्रोल अदर माइक्रोव एंड देर मेटाबोलिक एक्टिविटीज इंप्रूव रेजिस्टेंस एंड लोअर द इल इफेक्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्मड ड्यूरिंग द मेटाबोलिक एक्टिविटीज तो मेटाबोलिक एक्टिविटीज इनकी जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी है पूरी इन लोग जो आपस में अंदर गेम खेल रहे हैं हमारे साथ उससे हमें हार्म ना हो इसलिए प्रोबायोटिक्स हमारे लिए यूजफुल है ताकि हार्मफुल हमें ज्यादा हार्म ना कर सके यूजफुल माइक्रोज बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स मेक देम एक्टिव अगेन तो अब एंटीबायोटिक्स मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रो का ऑपोजिट क्या होता है एंटी राइट right? तो प्रो प्रो प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली मेडिसिन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो एंटी नाम से ही पता पड़ता है ऑपोजिट ऑपोजिट है ये बेसिकली यानी कि उसके खिलाफ जाने वाला चीज है ये ठीक है तो एंटी नेशनलिस्ट हो गया जैसे कि सो एंटी एंटी जो हमारा प्रिफेक्स है मतलब ये बायोटिक को मारने वाला चीज है ये तो एंटीबायोटिक्स हमारे वगैरह में होता है, जो हमें तब देता है जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ हो गया है, जिसे मारना, को मारने से ही वो होगा। तो उसके चक्कर में बैड बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में गुड बैक्टीरिया भी उस एंटीबायोटिक से मर जाते हैं नाउ जब आपको इसीलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं मेडिसिन सजेस्ट करते हैं तब वो आपको तब बोलेंगे कि दही वगैरह खाना दूध वगैरह पीना ताकि आपके अंदर प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा वापस से बढ़ जाए यानी कि वापस से मेंटेन हो जाए तो वही बात वही बात वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि आपके यूजफुल माइक्रोब्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से और प्रोबायोटिक्स उन्हें फिर से एक्टिव कर देता है फिर से वो लाइक वापस से आ जाते हैं नाव डे प्रोबायोटिक्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो तो डायरिया जैसा आपको जो बीमारी होती है लाइक पेट खराब हो जाता है तो आपको प्रोबायोटिक्स खाने से ठीक हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री यानी कि आपकी जो पोल्ट्री फार्मिंग में पोल्ट्रीज है आपकी बेसिकली जितनी भी लाइक अलग अलग कैटल पोल्ट्री तो उनको भी ठीक करने में इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोबायोटिक्स सो so, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यीस्ट आपने पहले के स्टैंडर्ड में देखा था यीस्ट हम कैसे बनाते हैं तो यीस्ट इज बेसिकली ये सिंगल सेल्ड सिंगल सेल्ड का फंगस जो होता है सिंगल सेल्ड का जो फंगस होता है उसे यीस्ट कहा जाता है सो so ब्रेड एक यीस्ट से फॉर्म होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर ऑफ सीरियल्स तो अलग अलग आटे से अलग अलग सीरियल्स के आटे से अलग अलग तरह की ब्रेड बनती है हम लोग कहते हैं ना होल व्हीट फिर मल्टीग्रेन फिर व्हाइट वाली ब्रेड हम सिंपल भाषा में वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड भी बोलते हैं तो हर एक अलग-अलग सीरियल्स -अलग के अलग-अलग आटे से हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो वो जो आटा है वो जो डो डो यानी कि वो आटा इज फॉर्मड बाय मिक्सिंग अ बेकर्स यीस्ट तो इसको बेकर्स यीस्ट एक तरह से इसका कॉमन नेम हो गया बेकर्स यीस्ट यीस्ट इज अ सिंगल सेलड फंगस तो बेकर्स यीस्ट का नाम क्या है इसका एक्चुअल नेम क्या है सैक्रोमाइसेस सेक्रोमाइसिस सेरेविस्ट नो इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैं सही कर रहा हूं नहीं सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई सेक्रोमाइसिस वर्ड को थोड़ा तोड़ देंगे तो सिंपल इसका आता है शुगर वाला फंगस शुगर फंगस ओके okay? माइसिस का मतलब फंगस होता है बेसिकली सो शुगर फंगस ओके सो शुगर फंगस ये आपको लाइक इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप ये नाम याद रख सके तो आई से ये हम इस्तेमाल करते क्लियर हो जाएगा वाटर साथ में मिक्स करते, मिक्स करते सीधी आटा बनाने में एंड अदर नेसेसरी मटेरियल जो भी हमें डालना है उस आटे में ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फर्मेंट ये ये प्रो, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर फॉर्मेंटेशन होने लग जाता है हम जब ये सब मिक्स करते हैं तो वो प्रोसेस को फॉर्मेंटेशन कहते हैं ठीक है बाय ईस्ट शुगर देखो शुगर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्रोमाइसेस नाम क्यों है क्योंकि ये शुगर को कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर होता है एक तरह का राइट राइट तो वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एथेनॉल में तो अब एथेनॉल भी क्या होता है आपको ये भी अब पता होगा हमने कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा है तो ये CO2 के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सारा ट्रैप हो जाता है आटे में इसलिए वो फूल जाता है डो आप बेकिंग बेकिंग क्यों होता है बेकिंग मतलब वो फूल जाता है राइट उसका साइज छोटा रहता है पाव कैसे हम पाव नरम पाव कैसे दबा सकते पूरा वैसे केक वगैरह जो भी है जो ओरिजिनल साइज है उससे थोड़ा सा फूल जाता है वो वो फूल क्यों जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाता है सारा डो राइजेस ऑफ ड्यू टू CO2 एंड द ब्रेड बिकम्स स्पोंजी तो स्पंच जैसा एकदम हम उसे दबा सके वैसा नरम नरम पूरा बन जाता है कंप्रेस्ड यीस्ट इज यूज्ड इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री अब इंडस्ट्रीज ये तो हमने घर की नॉर्मल बात कर ली लाइक नॉर्मल बेकरी वगैरह की बात कर ली तो अब ये इंडस्ट्रियल बेकरी में कैसा कंप्रेस्ड यीस्ट इस्तेमाल करते हो लोग इट इज अवेलेबल इन ड्राई ग्रेन्युलर फॉर्म फॉर डोमेस्टिक यूज और हमारे घर के लिए वो ड्राई एंड ग्रेन्युलर यानी कि बारीक पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है यीस्ट प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल यूज कंटेन्स वेरियस यूजफुल कंटेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स वेरियस विटामिन जो कमर्शियल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें भी मौजूद होती है एक्स्ट्रा चीजें भी मौजूद होती है इसीलिए बाहर का जो आटा वगैरह मिलता है तो उन्होंने एड, में अपने एडवर्टाइजिंग्स में क्या लिखा रहता है कि इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है इसके अंदर फैट ज्यादा है क्यों क्योंकि उनके यीस्ट वगैरह में वो लोग एक्स्ट्रा ये सारी चीजें मिलाते हैं ड्यू टू दिस

ट आर यूज इन प्रेजेंटली पॉपुलर चाइनीज फूड आर प्रोड्यूसड बाई माइक्रोबेल फर्मेंटेशन तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं विनेगर विनेगर के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमने कार्बन कंपाउंड में देखा था इट इज नथिंग बट एसेटिक एसिड अगर आपको याद होगा तो राइट right? फोटो भी दिया उसका नेक्स्ट विनेगर प्रोडक्शन ही है लेट सी दैट सो ये ऑलरेडी so, हमने कार्बन कंपाउंड में थोड़ा बहुत देखा था विनेगर प्रोडक्शन के बारे में तो इससे और हम अब देखते हैं विनेगर इज यूज इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पॉर्ट सारे थोड़ा खटास टेस्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं खास करके चाइनीस के साथ टू फूड एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए पिकल इज बेसिकली एनी मटेरियल जैसे कि आपकी ककड़ी हो गई बीट हो गया आपका ये आम हो गया इस सबको हम जो लिक्विड बनाते हैं वो लिक्विड वो लिक्विड क्या है खट्टा वाला सॉल्ट वाला लिक्विड क्या है उसके अंदर विनेगर हम लोग मिक्स करते हैं तो वो प्रिजर्व रहता है यानी कि लंबे समय तक अच्छा रहता है सॉस में यूज होता है केचप में यूज होता है चटनी ये सब वही चीजें हैं जो लंबे समय तक हमें चलानी सब में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं इसीलिए सबका एक खटास सार खटास सार वाला टेस्ट होता है केमिकली अगर केमिकली बात करें जो हम लोग कार्बन कंपाउंड में कर चुके हैं विनेगर इज वॉट फोर परसेंट एसिटिक एसिड तो एसिटिक एसिड असेट आपको ये याद ही होगा कार्बन कंपाउंड ओके सो ये फोर परसेंट एसिडिक एसिड असेट है बाकी उसमें पानी वगैरह मिक्स कर दिया उसको फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक फ्रूट द रूट्स विद द हेल्प ऑफ अ यीस्ट सेक्रोमाइसिस सवेसिया तो ऊपर हमने ऑलरेडी देखा कि शुगर और हमने कार्बन कंपाउंड में भी ये देखा था कि शुगर को ही जब यहां पर अब हम सेक्रोमाइसिस सवेसिया के साथ मिक्स करेंगे तो ये जो शुगर यानी एक तरह का स्टार्च हो गया शुगर मोलैसिस यानी शुगर केन जूस शुगर केन जूस शुगर शुगर केन प्रोसेस में ये बनता है सॉलिड स्टेट में ब्राउनिश ब्राउनिश ब्लैकिश कलर होता है उसे मोलेस कहा जाता है मोलैसिस मुले, कहा जाता है मेपल सिरप ये भी स्वीट सिरप आपको पता होगा मेपल सिरप ये सारी वो चीजें फ्रूक्टोस इसके अंदर भी शुगर मौजूद है सबके अंदर शुगर मौजूद है ठीक है तो ये शुगर के अंदर जब मैं सैक्रोमाइसिस सवेसिया डालता हूं तो क्या प्रोड्यूस होता है एथेनॉल जो एक तरह का एल्कोहल है हमारा हम जानते हैं एथेनॉल उसके बारे में हमने कार्बन कंपाउंड में पढ़ा था अगेन सो so वो प्रोड्यूस होता है मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ़ बैक्टीरियल स्ट्रेन लाइक अब यहां पर कौन सा मिक्सचर हम डालने वाले हैं एसेटो बैक्टर तो यहां पर अब अगेन एसेटो बैक्टर रहा हूँ शायद ग्लूकोज uh, यानी हमारा शुगर होता है ग्लूकोस हमारा शुगर होता है इसलिए ये ग्लुके नाम है मे बी बैक्टर बैक्टर में गैस कर रहा हूँ क्योंकि बैक्टीरिया है ठीक है तो ये आप इस तरह से इसको नाम याद रख सकते हो थोड़ा बहुत। अब एथेनॉल को डिग्रेड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। acetic acid and other byproducts are obtained through it. तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इससे क्या हो जाता है एसिटोबैक्टे डालने से एथोनॉल के अंदर एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाता है और दूसरे बायोडक्ट आते हैं एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर रेयर फैक्शन तो रेयर फ्रैक्शन टेक्निक से एसिडिक एसिड acid को अलग किया जाता है एसिटिक एसिड इज ब्लीच हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड अब अलग से अब हम एसिडिक एसिड acid जो आ गया एसिडिक एसिड acid जो आया हमने क्या किया क्या पूरा प्रोसेस चल रहा है हमने एथेनॉल के अंदर एसिडोबैक्टर तो डाला उसके अंदर से एसिडिक एसिड acid आया एसिडिक एसिड को हम आगे क्या कर रहे हैं एसिडिक एसिड को हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड से मिक्स कर रहे हैं Then it is pasteurized और उसको बाद में गर्म करेंगे और बाद में उसके अंदर हम बहुत ही कम क्वांटिटी का एसओ टू यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिक्स करते हैं और आपका विनेगर पूरी तरह से बन जाता है तो पूरा विनेगर का प्रोसेस हमें बताया उन्होंने कैसे हम फॉर्म करते हैं टेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्लावर ऑफ वीट और राइस एंड सोयाबीन तो सोया सॉस नाम क्यों है क्योंकि उसके अंदर soya bean और या तो राइस तो साथ में mix करेंगे, और उसके अंदर ये पूरा फॉर्मेंटेशन ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा वो फॉर्मेंटेशन प्रोसेस था यही फॉर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे लेकिन यहाँ पर कौन सा हम लोग फंगस इस्तेमाल करने वाले यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे फंगस इस्तेमाल हो रहा है विच इज एस्पिल एस्परगिलसिजे तो ये एक फंगस इस्तेमाल करेंगे हम लोग सोया सॉस के लिए तो ये भी लिखिए सोया सॉस के लिए एस्परेगिलस ऑरिजे नाम का फंगस इस्तेमाल करेंगे और ये यही पूरा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हमने देखा वैसा करेंगे तो हमें सोया सॉस मिलेगा सो लेट्स मूव हेड आपको फोटो भी दिया ये लोग ने थोड़ा सा प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस तो अलग अलग बेवरेजेस कैसे बनता है तो यहाँ जाएगा like, लेकिन हम ये थोड़ा तो, अर, तो बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल से वर्ड इसीलिए है क्योंकि आ, आ, ब्रिविस नाम है एक्चुअली माइक्रोब का इसीलिए हम उसको ब्रू ब्रू ब्रूविंग प्रोसेस भी कहते हैं अगर आपको पता होगा कॉफी का जो कॉफी का जो प्रोसेस उसको ब्रुविंग ब्रूविंग भी कहते हैं राइट और ब्रू तो एक कॉफी ब्रांड का नाम भी है लाइक उसके प्रोडक्ट का नाम भी है राइट ब्रू से होती है खुशिया शुरू। आपने अगर ये सुना होगा तो सो so, कॉफी का क्या रिलेशन है तो सेपरेटिंग द सीड्स फ्रॉम द फ्रूट तो ये बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम क्या होता है ना कॉफी के तो कॉफी कॉफी के फ्रूट्स ऐसे होते हैं रेड कलर के जो आपको दिख रहे फोटो उन्होंने दिए हैं तो ये पूरा उस लाइक वो लिक्विड जैसे मैंने आपको उसका बताया अः क्या कहते हैं ग्रेप्स का बताया कि उसको पूरा लिक्विड के अंदर वो डाला जाता है तो वैसे यहाँ पे फ्रूट्स कॉफी के फ्रूट्स डाले जाते हैं और उसके अंदर ये हम लोग बैक्टीरिया इस्तेमाल करते, करते हैं लैक्टोबिलस ब्रिविस इस्तेमाल करते हैं एंड उसको फॉर्मेंटेशन के लिए रखते हैं ताकि वो पूरा कॉफी बीन्स पूरे अलग हो जाए और उसके अंदर उसकी जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी है वो आ जाए एंड ये बाकी का पूरा अलग हो जाए और उससे फिर बनता है हमारा कॉफी तो ये पूरा एक प्रोसेस है वैसे ही यहाँ पे अलग अलग फ्रूट के टेक्निकल थोड़े से नाम दिए हैं और फिर उसका कौन सा माइक्रोब यूज किया है वो नाम दिया है एंड वहाँ पे प्रोडक्ट जो नाम है जो हम जनरली जानते हैं नाम से वो दिया है एक लास्ट वाला देखेंगे देखिए एप्पल एप्पल से एप्पल साइडर विनेगर आपको पता होगा एप्पल साइडर विनेगर नाम आपने सुना होगा एप्पल साइडर तो ये ड्रिंक लाइक बनती है तो उसके लिए देखो सेक्रोमाइसिस तो अगेन सेक्रोमाइसिस याद है शुगर वाला फंगस इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेंटेशन फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस, ये पूरे फर्मेंटेशन वाली सो so, ये थोड़ा सा रिफर करिएगा आप फोटोज दिए अच्छे प्यारे प्यारे आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपका है माइक्रोबियल एंजाइम्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एनजाइम्स के नाम में जरा कुछ एक पैटर्न नोटिस करिएगा सबके पीछे आपको वो ए एस सी वाला पैटर्न नजर आएगा ओके नाव अ डेज इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री तो अब सबसे पहले अब माइक्रोबियल एंजाइम्स मतलब क्या हो गया तो यहाँ पर हम जो केमिकल कोई ना कोई हमें जो प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स बोलो या पेस्टिसाइड्स बोलो या कोई भी हमें जिस प्रोसेस में केमिकल का एक पर्टिकुलर इस्तेमाल करना पड़ता था जो हमारे एनवायरमेंट और हमारे खुद के हेल्थवाइज भी बैड हो सकता था वो अब नहीं करेंगे हम वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मान ली गुड गुड बैक्टीरियाज है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे तो माइक्रोबियल एंजाइम्स वो सारे हो जाते हैं

सो तो उसकी यहां पे बात हो रही कि लो पीएच एंड प्रेशर में ही ये काम कर सकते हैं ड्यू टू विच इससे फायदा क्या है? लेकिन अब आप, आप बोलोगे कि अरे इससे हमें क्या फायदा है लो टेम्परेचर में हो रहा है पीएच हो रहा है उससे हमें हम मतलब ये क्यों हम हाई टेम्परेचर तो कर सकते तो फायदा क्या हुआ फायदा ये हुआ कि अगर ये कम टेम्परेचर में ही काम हो जा रहा है तो उससे ड्यू टू विच एनर्जी सेव्ड एंड इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी सो पहली बात तो एनर्जी बच जाती है हमारी उसे उसका जो भी उसका वो काम कर रहा था केमिकली रिएक्शन कर रहा था उसमें एनर्जी बच जाती है हमें जितना एनर्जी यूज करनी थी वो कम इस्तेमाल होती है दूसरा इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आसपास जो भी मटीरियल यूज करेंगे उसके साथ भी रिएक्शन हो सकता है वो राइट तो वो रिएक्शन ना हो इसलिए हमें पहले इरोजन यानी वो खराब हो रहा है इरोजन इरोजन प्रूफ मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता था लेकिन बिकॉज ऑफ माई माइक्रोबल एंजाइम्स ये सब की भी जरूरत नहीं होती है एनजाफिक प्रोसेस और एनजाफिक काम कर लेते हैं और जिसकी वजह से अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स मैं आपको बाई प्रोडक्ट का मतलब पहले ही समझा चुका हूं जैसे वे वॉज अ बाई प्रोडक्ट इन मेकिंग चीज यो गट वे बाय प्रोडक्ट ये हम बना नहीं रहते ये बन गया था अपने आप ओके तो ये ऐसे बाय प्रोडक्ट ना बने मतलब वे की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल बट ऐसे भी बाय प्रोडक्ट ना बने केमिकल जो केमिकल इंडस्ट्रीज में हम अलग अलग चीज बना रहे तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं एंजाइम्स का इस्तेमाल करते क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जो उनको काम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे उसी के लिए यूज होता है उसके अलावा कोई भी अलग से प्रोडक्ट वो बनाता नहीं है आर नॉट फॉर्म ड्यू टू विच एक्सपेंसिस ऑन प्योरिफिकेशन आर मिनिमाइज तो पहले क्या होता था हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे सीधी सी बात है केमिकल इंडस्ट्री है तो केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे हम लोग काम अपना जो भी बना रहे प्लास्टिक बना रहे जो भी बना रहे रहे जो भी हम लोग केमिकल जिसमें रिक्वायर्ड है समझ लो एक सिंपली आप लोग तो केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिससे क्या होता था केमिकल को प्रोसेस करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए पीएच लेवल एक पर्टिकुलर चाहिए फिर प्रेशर एक चाहिए फिर इरोजन प्रूफ इरोजन प्रूफ मटेरियल हमें इस्तेमाल करना है ताकि केमिकल उससे रिएक्शन ना करे जो भी मटेरियल इंस्ट्रूमेंट में हम रख रहे हैं फिर और क्या होता था इसके साथ अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बन जाते थे अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बन जाते थे तो बाय प्रोडक्ट्स भी ना ना बने तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए हम इस्तेमाल करने लग गए माइक्रोबियल एंजाइम्स जो स्पेसिफिक काम करते हैं जो कम टेम्परेचर में भी काम करने लग जाते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं जो हमें बाय प्रोडक्ट फालतू का बना के नहीं देते हैं जो सारी चीजों से ओवरऑल हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है इन केस ऑफ माइक्रोबल एंजाइमेटिक रिएक्शन एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटीरियल इज अवॉइडेड एंड एंजाइम्स कैन बी रीयूज तो ये देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एलिमिनेशन एंड डी ऑफ वेस्ट मटीरियल तो जितना भी ये सब में वेस्ट मटीरियल आएगा वो सब एलिमिनेट यानी डिकम्पोज और उसको कैसे हम लोग उससे छुटकारा कैसे पाए वो सबका नाटक झंझट बच जाता है क्योंकि एंजाइम बेस्ट रिएक्शन देता है और हमें बेस्ट रिजल्ट देता है एक्स्ट्रा फालतू तो कुछ देता नहीं एंड उसको बार बार यूज कर सकते हैं रीयूज हेंस सच एनजाइम्स आर इको फ्रेंडली तो उसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इको फ्रेंडली कहते हैं सब एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोबल एनजाम आर अब देखो सारे के सारे एग्जाम्पल के नाम है रिडक्टेसिस तो देखो नाम में ही ऑक्सीडो ऑक्सीजन और रिडक्शन प्रोसेस मेरे ख्याल से कुछ करता होगा ये और ये जरा पैटर्न देखिएगा मैं आपको कब से ये इसलिए बता रहा हूं और इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप पैटर्न चेक करो देखो ए एस -E. जितने भी एंजाइम होंगे सबके पीछे ऐसे ही कुछ ना कुछ नाम होंगे तो सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेस फिर दूसरा है ट्रांसफरेस ट्रांसफरेसिस तो बड़े अजीब से नाम है सारे याद रखेगा फिर है हाइड्रोलिसिस हाइड्रो नेम है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कुछ पानी से रिलेटेड काम करता होगा ये फिर सिर्फ लेसिस आईसो, तो में ये यूज होता होगा आइसोमर आपको पता होगा आपके हमने इसमें पढ़ा कार्बन कंपाउंड में सबके पीछे देखिए ए एस ए एस ए एस तो ये आप एंजाइम्स के नाम थोड़ा याद रखने में आपको ये टाइप थोड़ा ये लॉजिक आपको ये काम आ सकता है ओके

एंड तो यहां पर हम लोग एंड स्टेपिस का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग कॉर्न फ्लॉर यानी कि आपका जो कॉर्न यानी आपका जो मक्काई है बेसिकली उसके आटे में हम ये मिक्स करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा शुगर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये दोनों शुगर के टाइप है ठीक है तो ये हमें मिलेगा माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज अलग-अलग इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं ऊपर ऑलरेडी हम लोग ने जितने ऊपर भी हमने पढ़ा था कि नहीं एंजाइम्स तो चीज प्लांट एक्सट्रैक्ट्स टेक्सटाइल लेदर पेपर ये सब में कहीं ना कहीं हम लोग केमिकल्स की जगह पे माइक्रोबियल एंजाइम्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं ताकि हमारा कॉस्ट कम हो जाए और हमारा झंझटवारी कम हो जाए दैट वाज ऑल अबाउट माइक्रोबियल एंजाइम्स यहां पे कुछ आपको पूरा टेबल में दिया है ऑर्गेनिक एसिड यूज्ड इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम सो यहाँ पर अब लेट्स सी तो शुगर शुगर एंड बीट मोलेसिस मोलेसिस में आ, आ, शुगर बीट एंड मोलासिसमोनियम सॉल्ट में आपको मिलता है माइक्रोब जिसका नाम है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है तो ये सारे लिख लीजिएगा ब्रेवी बैक्टीरियम देखो बैक्टीरियम बैक्टीरियम यानी या बैक्टीरिया है ठीक है ठीक है बैक्टीरियम बैक्टीरियम यानी या बैक्टीरिया है याद रखिएगा थोड़ा सा So, and, uh, 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 Gillis, Gillis आता है यानी फंगस होता है एक तरह का ठीक है गिलस आता है यानी फंगस होता है तो ये कुछ छोटी बात है आप रख सकते हो सो ब्रेवी एंड कॉरिनो बैक्टीरियम कॉरिनो इज बेसिकली क्लब शेप तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब थोड़े शेप के नाम जो शेप होते बेसिकली क्लब शेप के फॉर्मेट में ये बैक्टीरिया क्लब शेप में होता है सो so, uh, इसीलिए ये कॉरिनो वर्ड मतलब यूज किया गया है तो so, उससे क्या कौन सा एमिनो एसिड बनता है तो एल ग्लूटेमिक एसिड फॉर्म होता है एल ग्लूटेमेटिक एसिड फॉर्म होता है जो काय के लिए यूज इस्तेमाल करते हैं तो हमने ऊपर देखा था अजीनोमोटो बनाने में यूज होता है जिसका उसका टेक्निकल नेम क्या है पूरा मोनोसोडियम ग्लूटेमेट फिर वैसे ही अगेन शुगर मोले से सॉल्ट में से अगर हम लोग जब एस्पेरेगिलस नाइगर हम मिक्स करेंगे तो सिट्रिक एसिड फॉर्म होता है जिससे हम लोग सिट्रिक एसिड बहुत जगह पे खटास वाला आपके फ्रूट में हर खटास सिट्रस सिट्रस फ्रूट फ्रूट हर में आपको ये हम लोग पहले भी चैप्टर्स में एक बार बता चुका हूँ क्या होते हैं तो ऑरेंजेस टमाटो एंड आपके जितने भी खटास मौसम भी जितने भी सिट्रस खटास वाले फ्रूट्स है उसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है ओके okay? तो वो एसिड से फिर यहाँ पे हम लोग चॉकलेट्स टॉफीज ड्रिंक्स वगैरह में यूज करते हैं वैसे ही ग्लूकोसॉन कॉन्स्ट्रिप लिकेन एसपेगे से हम लोग ग्लूकोनिक एसिड बनाएंगे जिससे हम क्या बनाते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स एज सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम आयन तो कैल्शियम आयन के लिए जो सप्लीमेंट बनाते हैं उसके अंदर ये मिक्स होता है एंड फिर मोलसिस कॉन्स्ट्रिप लिकर अगेन उसके अंदर लैक्टोबैसिलिस डेलब्रिकी जो हम पहले भी देख चुके लैक्टोबेसिलिस डेलब्रिकी उससे लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन का सोर्स हो जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन में जब नाइट्रोजन मिक्स करना है तो हम ये टेक्निक इस्तेमाल अगेन अ टाइप ऑफ एसिड्स ओके जिसमें हम, ita, okay? जिस हम इस्तेमाल करेंगे इसको हम पेपर टेक्सटाइल्स वाले प्लास्टिक इंडस्ट्री में गम प्रोडक्शन सब में हम इस्तेमाल करते हैं तो ये आप एक पूरा लिख लीजिएगा ये पूरा बना लीजिएगा ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन सा लाइक like इसमें से कुछ मिसिंग होगा और आपको फिलअप करना होगा वैसा क्वेश्चन इसका पूरा आ सकता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इसको प्लीज अच्छे से लिखिएगा इसको बनाइएगा ओके व्हाट इज जैंथन गम दैट एम्पार्ड्स थिकनेस टू योर फेवरेट आइसक्रीम पुडिंग्स चॉकलेट्स मिल्क शेक्स चॉकलेट ड्रिंक्स इंस्टेंट सूप्स एक्सेट्रा तो जैंथन क्या होता है तो जैंथन इज बेसिकली नाम ही है, जैन्थेन, जैन्थेन गम जिसे हम कहते है गम. इसका पूरा नाम जैंथोनोमस जो आपको यहाँ पे ये रहा दिया है जैंथोनोमस नाम है उस पर्टिकुलर यू नो पॉलीसेक्राइड है एक तरह का ये यानी कार्बन कंपाउंड हमारा अगर आपको याद होगा कार्बन कंपाउंड में हमने पढ़ा था पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है तो जैंथन नथिंग बट व्हाट इसका हमने सिंपल वर्ड में आपको मैंने क्या बताया था कार्बोहाइड्रेट्स यानी बेसिकली कार्बन कंपाउंड इट इज कार्बन हाइड्रोजन मिक्स कार्बन कंपाउंड है ये ओके okay? इसका आ, आ, इसका मॉलिकुलर फॉर्मुलाइज thirty five H forty nine oxygen ऑक्सीजन nine ये सिंपल शुगर के फर्मेंटेशन से बनता है शुगर को ferment करने से ये बनता है तो शुगर यानी यानी, हम से पढ़ रहे हैं तो शुगर molasses को अगर fermentation करेंगे तो xanthan बनता है जो आपके खाने वाली चीज होगा आइसक्रीम हो गया पुडिंग्स हो गया चॉकलेट्स हो गया ये सबको वो जो एक टेक्सचर देता है गाढ़ापन जो दे देता है एक, वो सारी चीजें में ये जो गाढ़ापन डेंसिटी देने वाला काम जो करता है वो जैंथिन होता है आपके टूथपेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल में दे सकता हूँ का टूथपेस्ट का एक जो आ, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है सॉलिड भी नहीं पूरा लिक्विड भी नहीं तो वो जो स्ट्रक्चर है वो वो जो उसमें डेंसिटी आई है वो जो उसमें, उसमें गाढ़ापन एक है जो पूरा लिक्विड भी नहीं है वो वो पूरा सॉलिड भी नहीं है वो तो वो जो है स्ट्रक्चर वो किसके वजह से है Because उसके अंदर जैंथन गम मौजूद है कार्बोहाइड्रेट मोल दिल्प ऑफ जेंथोनॉमस स्पीशीज तो जेंथोनोमस अगेन तो ये आपका अलग अलग जीनस वर्ड हो गया और उसके अलग अलग स्पीशीज से यह होता है इट इज वेरियसली यूजफुल ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक सॉलिबिलिटी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर तो ये हॉट पानी में भी मिक्स हो सकता है कोल्ड पानी में भी सोलबल है हाई डेंसिटी तो इसकी डेंसिटी जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की गाढ़ापन देता है एटसेट्रा इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स फर्टिलाइजर्स टेक्सटाइल पिगमेंट्स टूथपेस्ट तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया कि टूथपेस्ट में आपके होता है हाई क्वालिटी पेपर अच्छे क्वालिटी के पेपर के लिए भी होता है ओके okay? तो ये अलग अलग एग्जांपल्स लिख लीजिएगा कि जैंथम किस चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वीडी वीडीसाइड क्या होता है तो वीड्स गार्डन गार्डन में आपके जो अननेसेसरी प्लांटेशन हो जाती है उसको उसको निकालने के लिए वीड्स, वीड्स कहते अलग अलग सब्सटेंस जो हम लोग माइक्रोबियल प्रोसेसिंग यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हम लोग उसको डिराइव करते हैं और वो चीजें हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए अलग अलग एसिड्स हम ऊपर ही देख चुके हैं सिट्रिक मैलिक लैक्टिक एसिड्स अलग अलग अमीनो एसिड्स है ये तो ये क्यों इस्तेमाल होती है एसिडिटी अगर किसी चीज में हमें बढ़ानी है टू तो इम्पार्ट एसिडिटी फिर ग्लुटेमिक एसिड लाइसिन ट्रिप्टोफेन ये सब हमें क्या ये सब हमें क्या, क्या काम आते हैं तो ये प्रोटीन बाइंडिंग ये अमीनो एसिड चेन है ग्लुटेमिकल ग्लुटेमाइड ये सब अमीनो एसिड है अलग अलग टाइप के तो ये प्रोटीन बाइंडिंग अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट प्रोटीन बिल्डिंग में फॉर्म होते हैं राइट तो ये प्रोटीन बिल्डिंग में काम आता है फिर एंड तो ये अगर आपको याद होगा ये ये बेसिकली आपका विटामिन बी थ्री मेरे ख्याल से बोलते बी थ्री फॉट बी बी थ्री बोलते यस थ्री तो नाइसिन जो है आपका वो एंड ये काय के लिए इस्तेमाल होता है ये तो माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर यानी कि ये माइक्रोब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है रेस्ट्रिक्ट करता है तो इन शॉर्ट बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनको रोकने के लिए ये काम आता है तो एक तरह से आपके स्किन डिजीज और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के इधर ये इस्तेमाल हो गए ओके फिर है एस्कॉर्बिक एसिड तो ये भी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड जैसे फैंसी नेम फॉर विटामिन सी ओके एंड देखिए बी विटामिन के अलग अलग टाइप बी एंड बी जो है वो भी बनते हैं ये और उसको हम इस्तेमाल करते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन तो जो भी चीज में एंटी ऑक्सीडेंट्स हम आ, आ, हमें डालना होता है विटामिन अलग से डालना होता है तो हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसिंग से ये सारी चीजें उसके अंदर डालते हैं फिर बेटा कैरोटीन तो कैरोट कैरेट्स जो आपके है ये कैरेट्स का जो कलर है तो ये बेटा कैरेटीन उससे ही हम लेते लाइक कैरेट्स के अंदर से ही पाया जाता है लिकोपिनस जेंथेनिस एंड लुटीन ये सारे अलग अलग यू नो कलर कलर को एडिबल कलर्स ये सारे अलग अलग एडिबल मतलब ये कलर को हम लोग फूड कलर की तरह इस्तेमाल करते हैं उसको खा सकते हैं हम लोग एडिबल है वो खा सकते हैं उसको तो ये सब अलग अलग कलर है ऑरेंज येल्लो ये सब अलग अलग कलर फॉर्म होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिर ये है पॉलीसेक्राइड तो ये पॉलिसेक्राइड हमने अब भी बात किया था थोड़ी देर पहले पॉलिसेक्राइड्स पॉलिसेक्राइड चेन ओके अगर आपको याद होगा कार्बन कंपाउ में एंड ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स यानी ग्लूकोस से बनने वाला ग्लाइकोड उसके लिपिड यानी फैटी एसिड्स के जो चेन बन जाते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स तो ये सारे अलग अलग सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विच आर यूज एज इमल्सिफायर इमल्सिफायर अब क्या होता है तो ये थोड़ा सा एक नया वर्ड हो गया आपके लिए इमल्सिफायर इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस जो दो अलग अलग लिक्विड को मिक्स करती है फॉर एग्जाम्पल मेयोनीज आपको पता होगा मेयोनीज जो आप खाते हो लाइक सैंडविच वगैरह में उसके अंदर हम एग्स अगर आपको पता होगा एग्स का इस्तेमाल करते तो हैं है, आपस में उसको मिक्स कर देता है और वो पूरा एक जो प्रोडक्ट बन जाता है ओके तो इसमें जो एग इस्तेमाल किया वो एक तरह से इमलसीफायर का, का काम कर रहा था ओके तो इमल्सिफायर आर द सब्सटेंस जो चेन फॉर्मेशन कर देते हैं ओके एंड लाइक नया दो लिक्विड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं फिर नेक्स्ट है वेनिलीन एथाइल बुटाइराइट व्हिच इज अ फ्रूट फ्लेवर पेपरमिंट फ्लेवर एसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट तो ये नाम से अलग अलग आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे हम लोग फ्लेवर्स अलग अलग स्वाद के लिए एसेंस यानी अलग अलग स्वाद वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड लास्ट है, है एंड एंड ये भी स्वीटनर्स जो शुगर फ्री या शुगरी स्वीट टेस्ट हमें चाहिए आर्टिफिशियल विदाउट शुगर हमें स्वीट टेस्ट चाहिए तो वो सब चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक तरह का स्वीटनर है ये सारे के सारे हाई कार्बन कंपाउंड्स है ठीक है जाइलीथीन का मुझे पता है जाइलीटॉल का इज सी फाइव एच ट्वेल्व ओ फाइव ओके okay? सो so, ये कार्बन कंपाउंड है आपका एक तरह का ओके okay? याद रखिएगा एंड एस्पेरेटेन आपका अगर आपको याद होगा एस्थर एस्तर हमने कार्बन कंपाउंड में पढ़ा तो मेथाइल एस्तर जो होता है मेथाइल एस्तर दैट इज नथिंग बट एस्पेरेटीन ठीक है उससे ही ये बनता है पूरा ये सो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ताकि थोड़ा सा आपको याद रखने में मदद हो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स तो हमने प्रोबायोटिक देखा था अब हम एंटीबायोटिक देखेंगे तो बेसिकली एंटीबायोटिक क्या करेगा एंटीबायोटिक का बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं एंटीबायोटिक क्या करेगा वो बैक्टीरिया को मारेगा अब वो गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्रोबायोटिक्स का हेल्प लेते हैं और गुड बैक्टीरिया की काउंट अच्छी कर लेते हैं सो मेनी डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स है so, एंटीबायोटिक्स लाइक फेमस आपको एलेक्ट नेता एक, तो एक बैक्टीरिया का पूरा देखा था कि वो पूरे एक ओपन रख के चले गए थे पेट्रीडिश या समथिंग एंड उसमें वो बैक्टीरिया एक लाइक पूरे राउंड स्ट्रक्चर में कवर्ड था उसके आगे फैला नहीं था तो उसके बेस पे उन्हें पता लगा था कि ये जिस चीज ने इस बैक्टीरिया को रोक के रखा है that is antibiotic. That thing is antibiotic. तो उसके फिर बाद बाद में बहुत सारे रिसर्च एंड सब कुछ के बाद हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ पेनिसिलियन बनाए जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं फिर दूसरे एंटीबायोटिक्स के नाम है ये सारे नाम है ये लिख लीजिएगा नाम नामॉसपोरिंस आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही में कर रहा हूँ फिर मोनोबैक्टेम फिर बैक्टेरासिन फिर एर एरथ्रोमाइसिन फिर जेंटामाइसिन फिर नियोमाइसिन स्ट्रेक्टोमाइसिन एंड टेट्रामाइसिन वेंकोमाइसिन एक्सेट्रा तो ये सारे के सारे जितने भी है देखिए सबके पीछे माइसिन माइसिन वाई एम एम वाई सी आई एन आया तो इससे एक आप थोड़ा सा लिंक सबको कर सकते हो आप नाम याद रखने में एंटीबायोटिक्स के अलग अलग नाम है ये जो इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग चीजों के लिए ओके डिज so, अलग अलग लाइक like डिजीज अलग अलग स्किन डिजीज बोलो अलग अलग बॉडी डिजीज बोलो आपके इंटेस्टाइन की डिजीज बोलो ये अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया का किलर है एक्चुअली ये सारे के सारे तो ये एंटीबायोटिक्स हम कहते हैं आगे रीड करेंगे सो आर यूज अगेंस्ट आर यूज अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड रिफा 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 राइफा राइफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबिक्लॉसिस तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया कि ये वाला राइफामाइसिन रिफामाइसिन जो भी होगा ये वो हम ट्यूबिकलॉसिस की बीमारी करते हैं ये दवाई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है तो ये आपको एक्चुअली अभी इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं तो ग्राम एक्चुअली नाम पहली बार इसलिए आया क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये मेथड निकाला था उसके बेसिस ग्राम स्केल के ऊपर ये है

तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल और करने की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है आपको बस ये याद रखना है कि ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स जो है वो ये सारे अलग अलग टाइप के जितने भी बैक्टीरिया उसको मारते हैं एंड हमें बचाते हैं डिजीज एंड जो भी हमारी बीमारी उससे नेक्स्ट माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स अब 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 तक हमने फूड का पूरा कवर कर लिया अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक तरह से हम बोलेंगे चालू हो रहा है कि माइक्रोब्स और फ्यूल्स का क्या रिलेशन गैशियस फ्यूल मीथेन कैन बी मीथेन क्या है अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है एग्रीकल्चर तो वेस्ट ये सब है जो है वो वेस्ट के अंदर जब हम लोग एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा यही पूरा टॉपिक है हमारा बायो फ्यूल का जो टॉपिक है बेसिकली जिसको हम कहते हैं सो so, यही है वो चीज ओके सो लेट्स रीड आगे एथेनॉल विच इज एन इट इज ऑल्सो स्मोकलेस फ्यूल ये हम तभी भी पढ़ चुके थे कि एथेनॉल को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ओके क्लीन फ्यूल है ये क्लीन फ्यूल ये हमने कार्बन कंपाउंड में भी देखा था ऑप्टेन बाई फर्मेंटेशन ऑफ मोलैसिसक्रोमाइसिस तो ऊपर हमने देखा था कैसे हम लोग जब शुगर यानी मोलेसिस जो थे शुगर जो था उसको हम लोग सैक्रोमाइसिस के साथ जब उसको होने देते थे तो एथेनॉल फॉर्म होता है विच इज अ क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द बायोफोटोलिस ऑफ वॉटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन तो हाइड्रोजन को तो हम जानते ही हाइड्रोजन हमारा फ्यूल ऑफ द फ्यूचर माना जाता है तो वो अब यहाँ पे कैसे आ गया तो हाइड्रोजन गैस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद से कैसे बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर एच होता है लेकिन इसमें से मुझे एच अलग कर देना है और ऑक्सीजन अलग कर देना है तो ये जो मैं डिफरेंट कर रहा हूँ इस प्रोसेस को कहते हैं बायोफोटोलिसिस वर्ड इसलिए क्योंकि लाइट के हेल्प से सनलाइट की हेल्प से एक तरह से लाइट की हेल्प से तो माइक्रो ऑर्गेजम एक चाहिए कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया चाहिए कुछ पर्टिकुलर और सनलाइट चाहिए जिसके हेल्प से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे एज अ फ्यूल के लिए तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है पूरा सिमिलरली सिमिलर टू फ्यूल्स वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू माइक्रोवेल प्रोसेस तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि अलग अलग केमिकल्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं materials इन केमिकल इंडस्ट्री तो ये भी हमें पता है अलग अलग ये कार्बन कंपाउंड में स्टार्टिंग से आपको बोल चुका हूँ कि कार्बन कंपाउंड यहाँ पे हर जगह आपको दिखेंगे जितने भी हमने अलग अलग पड़े यहाँ पे कार्बन कंपाउंड ही थे बहुत सारे राइट तो ये सब हम लोग एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते केमिकल इंडस्ट्री में सम ऑफ़ दीज़ आर यूज़फुल फॉर प्लास्टिक एंड फ़ूड और कुछ तो प्लास्टिक और फूड प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत प्यारा सा एक चार्ट दिया है आपको यहाँ पे चार्ट में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लेट मी थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं ताकि हम ये थोड़ा देख सके so, okay. सो so, यहाँ पे बेसिकली देखिए बायोमास बायोमास इज बेसिकली आपका जो पूरा ये ट्रीज भी सब कुछ है उसको हम काट वाट के हार्वेस्टिंग करके यहाँ पर उसको लाइक लेके जा रहे छोटे छोटे टुकड़े कर रहे और फिर वो उसका जो सेल्युल्स प्लांट्स वाले में सब में क्या होता है सेल्यूलस उसको हम लोग बाद में केमिकली प्रोड्यूस करेंगे लाइक उसके ऊपर जो भी हमें केमिकली प्रोसेस करना है अलग अलग उसके बाद उससे बनेगा हमारा शुगर शुगर के अंदर हमारा फिर हम लोग लाइक यू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे और उसे फर्मेंटेशन करेंगे फर्मेंटेशन होते ही वो बायोफ्यूल हमारे हाथ में आ जाएगा दैट इज जो भी हमारा बायोफ्यूल है अलग अलग दैट इज मीथेन गैस हो गया या जो भी हम लोग अलग अलग यूज करेंगे वो एथेनॉल आ गया वो हम लोग फिर यूज कर सकते हैं अपने यू नो फ्यूल की तरह अपने गाड़ियों में और गाड़िया क्या क्रिएट करती है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एनवायरमेंट में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और सोलर एनर्जी से फिर से और झाड़ झाड़ को क्या चाहिए रहता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये पूरा उन्होंने साइकल बताया हुआ है सो लेट्स रीड दिस बायोफ्यूल बायोफ्यूल इज इंपॉर्टेंट अमोंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने इसके पहले चैप्टर देखा था अलग अलग एनर्जी वाला राइट right? उसमें लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमने रिन्यूएबल सोर्स बायोफ्यूल्स की बात नहीं की थी क्योंकि हम लोग ये चैप्टर में उसकी बात करने वाले हैं दीज फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म दैट इज काउड हो सकता है क्रॉप रेसिडी हो सकता है लिक्विड फॉर्म दैट इज वेजिटेबल ऑयल हो सकता है एल्कोहल हो सकता है एंड गैशियस फॉर्म विच इज गोबर गैस कोल गैस ये सब आसानी से मिल जाते सबके सब और बहुत सारे दीज आर रिलायल फ्यूल्स ऑफ फ्यूचर ये फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया है माइक्रोवेल पॉल्यूशन कंट्रोल तो अब अब धीरे धीरे हम लोग हम लोग एक एक चीज हमारे सोल्यूशन सोल्व तो कर रहे हैं लेकिन उसी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन के साथ हमारा कुछ ना कुछ, कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो यहाँ पे अब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में ये सब जो एक तरह से पोल्यूशन होते जा रहा है ये सारी चीजों में केमिकली करने में फैक्ट्रीज के वजह से या जो भी अलग अलग हम गार्बेज कचरा वचरा जो भी कर रहे हैं वो पोल्यूशन जो आ रहा है अब उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग ने क्या सोचा कि चलो इसके लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या तो जब हम उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड कहते हैं लेट्स रीड दैट बहुत ही सिंपल है ये सॉलिड वेस्ट In तो पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है और ये सब कचरा पट्टी आपका नाला वाला सब कुछ और सब कुछ बढ़ते जा रहा है अलॉन्ग विवर इंक्रीजिंग डिजीजेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट आर वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम और उसी के साथ बीमारियां बढ़ते जा रही है और हमारे एनवायरमेंट की खराबी डिग्रेडेशन यानी डिग्रेड उसका कम होते जा रहा है पूरे दुनिया में especially cities in densely populated countries like India are affected with these problems. और खास करके जहां पर बहुत ज्यादा population है densely population. Life of future generation will be difficult if these problems are not solved at right time and to right extent. और आगे जो हमारे future generation उनकी life बुरी होते जाएगी right? Let us see the role of microbes in environment. तो अब देखते हैं microbes क्या हमें काम आएंगे

मिल्क भी खराब हो रहा था मिल्क को वो खा रहे थे एक तरह से मिल्क खराब कर रहे थे वो डिकम्पोज कर रहे थे ये अलग बात है कि वो डिकम्पोज वाला जो बन गया कर्ड वो टेस्ट अच्छा हो गया और हम हमारे लिए अच्छा बैक्टीरिया हो गया और हमको अच्छा लगने लग गया ये अलग बात है लेकिन वो एक्चुअल में कर क्या रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ऑर्निज्मिकम्पोज कर रहे थे जंगलों में जो आधे जानवर मरते हैं उसको तो ऊपर ऊपर से तो चलो ठीक है ये सारी चीज खा जाते वल्चर वगैरह वगैरह लेकिन जो एकदम ही पूरा जो बचा कुचा जो रहता है यू नो you know, या जो भी उसको जो खाने वाले जीव जंतु है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम है तो दे आर द डिकम्पोजर्स ये डिकम्पोज कर देते हैं हर चीज को खा जाते ये सारी चीज को और उसी के बेस पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं उसी से वो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं ओके okay? तो ये सब का हमें फायदा हो रहा है इससे हमारी सॉइल फर्टाइल बनती है फर्टाइल सॉइल यानी कि उसके अंदर ये अच्छे सब मौजूद है तो वो उसके अंदर चीजें उग सकती है तो ये पूरा प्रोसेस ही है नेचर का राइट तो ये सारी चीज हम ऑलरेडी जानते हैं राइट तो लेट्स सी के एग्जैक्टली कैसे हम फ्यूल वगैरह बनाते हैं

वो यहाँ के आसपास के सॉइल के साथ मगजमारी ना करें उसको गंदा ना करे ओके? इन केस कुछ हो जाए तो फिर इसके अंदर हम लोग गार्बेज बैग जो कलेक्ट करते पूरा सारा कचरा पट्टी मिक्स करते जाएंगे उसके ऊपर पूरी कवर पूरा कर देंगे ओके इसी से पूरा वो हमारा सुवेज भी यहाँ से हमारा यह ये एक पाइप आप देख सकते हो ये पूरा सुवेज भी प्रोसेस्ड होके यहाँ से अंदर पूरा जाएगा एंड ये पूरा सब जो है ये हमें मीथेन गैस देगा मीथेन गैस देगा और साथ ही साथ ये पूरा सॉइल जितना भी पूरा होगा ये पूरा जितना भी होगा ये पूरा बाद में लैंड फर्टाइल हो जाएगा वापस यूज करने के लायक हो जाएगा कुछ ही समय में ओके okay? आफ्टर हमने सीधी सी बात है आफ्टर हमने पूरा ये वापस से सुवेज वगैरह निकाल दिया उसके बाद ओके कंपोस्ट कंपोस्ट फॉर्म हो जाए कंपोस्ट भी बोलते कंपोस्ट इफ आई इफ आई आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली कंपोस्ट ये आपने बीच में अमिताभ बच्चन की एड आती थी कि कचरा जो है आपके लाइक केले के छिलके ये वगैरह जो है ये कॉम्पोस्ट आप घर पे बनाइए ऐसा करके एक ऐड आता था आपने अगर देखी होगी तो ये या सुना होगा तो आपने सो तो ये आप घर पे भी गार्डनिंग में आजकल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम कहते हैं ये सब वो लोग क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है मतलब केमिकल का इस्तेमाल ना करना तो उसमें कॉम्पोस्ट वगैरह इस्तेमाल होता इस क्या होता है है इस क्या बेसिकली के अंदर ये सब कचरा पट्टी गोबर या छिलके पत्ते जो सूखे पत्ते ये सब कुछ मिक्स होकर हम लोग उसको बहुत टाइम तक रखते हैं तो उसके अंदर ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं उसे डीकम्पोज करते हैं और सॉइल को बना देते हैं नेचुरली फर्टाइल और हमारे यूज के लिए लायक हो जाती है वो सॉइल ओके तो so, ये पूरा एक पूरा ये पूरा काम है इनका तो लेट्स जस्ट रीड दिस नाउ लैंडफिलिंग साइट्स लैंडफिलिंग साइट्स डिग्रेडेबल वेस्ट डिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग अक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरियाज इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस लार्ज पिट्स आर डग बड़े-बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं ओपन स्पेसेस फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया जो हमारे लाइक uh, सिटी uh, like के बाहर होता है एरिया के बाहर दोस्त पिछ्सा लाइन विद शीट्स जिसको प्लास्टिक पहले लगाते फॉर प्रिकॉशन अगेंस्ट पॉल्यूशन ऑफ सॉइल ड्यू टू लीचिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मुल मटीरियल ताकि उसकी अंदर की टॉक्सिक जहरीले पदार्थ जो है वो सॉइल में सोख ना एब्जॉर्ब ना हो जाए लीचिंग यानी एब्जॉर्ब ना हो जाए ओके को पूरा दबा बजा के एकदम ही कम से कम जगह ले वैसा कंप्रेस्ड कर देते हैं इट इज कवर्ड विद लेयर्स ऑफ विध लीफी वेस्ट स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स और ये हमने बायोकेमिकल्स इस्तेमाल किए मतलब अलग अलग हमने माइक्रो माइक्रोज जो डालने हैं वो डालेंगे बायो रिएक्टर्स यानी बायो रिएक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कहीं कहीं तो बायो रिएक्टर्स आर मिक्स्ड एट सम प्लेसेस बायो रिएक्टर एक तरह का मशीन जैसा हो गया जो ये सबको मिक्स करने में हेल्प करेगा प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अदर टॉप लेको द वेस्ट ये सब क्या करेंगे इनका मेन काम क्या है डीकम्पोज करना कंप्लीटली फिल्ड पिट इज सील्ड विथ सॉइल स्लरी उसके ऊपर हमने फिर से सॉइल पूरा डाल दिया जिसे हम सॉइल स्लरी कहते हैं बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट देखिए आ गया ये कंपोस्ट इज फॉर्मड आफ्टर फ्यू डेज सच लैंड फिलिंग साइट कैन बी रीयूज आफ्टर रिमूवल ऑफ कंपोस्ट और इसको हम लोग बाद में निकाल देंगे और वो पूरा लैंड हम लोग फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी प्रोसेस में मीथेन गैस भी आ गया वो पता नहीं इन्होंने लिखा क्यों नहीं बट मीथेन गैस भी बनता है सो so, ये सब यू uh, नो you know, काम आता है नेक्स्ट देखेंगे सुवेज मैनेजमेंट सुवेज यानी बेसिकली आपका जो गंदा नाला जो पूरा हो गया आपका वो पूरा हमारा लैटरिन वैटरिन पूरा सब पाइप पाइप मिलके गटर गटर सिंपल भाषा में सुएज मैनेजमेंट तो उसको हम कहीं पर भी पानी में डायरेक्ट रिवर रिवर में डाल देंगे तो कितनी गंदी बात हो जाएगी तो उसको हम लोग कैसे उसके अंदर का टॉक्सिक बोलो या जो भी हमें है उसका आ, 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 कम करना है एंड उसको अच्छी तरह से अगर हम कैसे यूज कर सकते वो हमें करना है। तो सुएज मैनेजमेंट उसे कहते हैं इन विलेजेस डोमेस्टिक सुवेज इज डिस्पोज ऑफ इधर इन नियर बाय उसको या तो वो वो लोग में डाल देते ताकि लोग बायोगैस प्लांट या मीथेन गैस जैसा देख रहे थे बना देंगे या बायोगैस प्लांट तो पूरा बायोगैस प्लांट ही बना देंगे जहां पे उन्होंने वो पूरा खोद के रखा होगा बायोगैस प्लांट आप पहले भी पढ़ चुके हो ऊपर जैसा डायग्राम था वैसा ही कुछ होता है वो भी हाव इन सिटीज सुज नीड्स टू बी कैरीड टू प्रोसेसिंग यूनिट

एनी कंपाउंड एज वेल एज डिस्ट्रॉय गलत हमारे हेल्थ को, जो हमारे, को आ, नुकसान पहुंचा सकती है उसे पैथोजिन कहा जाता है ऑफ कोलेरा टाइफॉइड तो यही हम यही सारी चीजें हम देखते हैं ना बचपन से ये फोटो देखते होंगे आप कोलेरा टाइफॉइड बताने के लिए लोग ने गंदगी और गंदा पानी वो सब बताया रहेगा और वहां पे और ऐसा लाइक फोटो में बता रहेगा कि कोलेरा इसके वजह से फैलती है मक्खी यहाँ पे आती है वो आपके खाने में आती है आपके पानी में आती है तो ये सब पैथोजेंस जो ये फैलाते हैं उनको मारने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं ओके ये पूरा लिंक आपको इस तरह से याद रखना आर मिक्स्ड विद द सवेज दे रिलीज मीथेन और वो इस चक्कर में क्या करते जब वो डीकंपोज करने जाते हैं उस चक्कर में वो मीथेन रिलीज करते हैं और सीओ टू गैस रिलीज करते हैं बाय डीशन ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन द सुच सबकी सब, सब चीज कार्बन कंपाउंड से बनी है स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं आपको राइट तो उससे वजह से कार्बन कंपाउंड के जैसे ही डिकम्पोज करते तो हमारे हाथ में मीथेन आ जाता है सीओ टू गैस आ जाता है तो जो फिनॉल जो इससे नाम है फिनॉल इज बेसिकली एक, एक, एक कार्बन कंपाउंड एक तरह का जिसके अंदर खुशबू होती है जो डर्ट साफ करता है ओके तो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया यानी वो बैक्टीरिया जो फिनॉल के साथ मिक्स होकर क्या करेगा ज़ेनोबायोटिक केमिकल्स को नष्ट कर देगा तो ज़ेनोबायोटिक इज अ सब्सटेंस जो हमने बनाई है सिंथेटिकली हमने क्रिएट की है उसे ज़ेनोबायोटिक कहते हैं बायोटिक यानी लिविंग वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है ये ठीक है तो ज़ेनोबायोटिक यानी कि जो हमने चीजें बनाई है ओके वो उसको नष्ट कर देता है फिनोल नेक्स्ट आगे है द स्लज दैट सेटल्स डाउन इन दिस प्रोसेस कैन अगेन बी यूज्ड एज़ फर्टिलाइजर और ये सब में जो पूरा जो स्लज यानी कि वो सब में जो वो पूरा मिश्रण होगा चिपचिपा या जैसा भी वो पूरा मर्डी या सॉइल वाला कैसा वो पूरा होगा वो चीज मिक्स्ड वाली चीज कैसी होगी थोड़ी वेट वेट सी तो वो जो उसको स्लज कहा गया है जो वो बनता है उसको हम फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर रिलीज्ड आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज एनवायरमेंटली सेफ तो अब वो जो सुवेज था हमारा गंदा गंदा पानी था पूरा सुवेज था उसको हम लोग ने प्रोसेस कर दिया उसको हम लोग ने यहाँ पे प्रोसेस कर दिया प्रोसेसिंग यूनिट पे लेके गए हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट पे उसको लेके गए हम लोग वहां पे हमने माइक्रोबियल प्रोसेस कर दिया माइक्रोबियल प्रोसेस उसके ऊपर कर दिया और अब वो जो पानी है उसको जब हम रिलीज करेंगे तो वो एनवायरमेंटल एनवायरमेंटली सेफ है मतलब वो एनवायरमेंट के लिए सेफ है ओके ये पूरा प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर बायो रेमिडेशन ऑफ एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट तो तो के पोलूशन को रोकने के लिए जिससे सुवेज से जो पॉल्यूशन हो रहा था उसको रोकने के लिए हमने बायो रेमिडेशन उसको बायो रेमिडेशन कहते हैं क्योंकि हमने माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया ओके ये आप याद रखिएगा आपने नोटिस किया होगा कि हम यहाँ पे पूछा है कि आपको अलग अलग तरह का आपने देखा होगा कि वेट वेस्ट आपने ये पहले भी हम लोग बात चुके कहीं पे वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट अलग करके आपको डस्टबिन में डालना चाहिए क्यों क्योंकि ड्राई वेस्ट सारा का सारा रिसाइकल हो सकता है एंड वेट वेस्ट जो है आपका वो आप कंपोस्ट और ये सारी चीज में बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इसलिए ये हमको दो डस्टबिन हमेशा रखने चाहिए और आपने देखा होगा इसका कलेक्शन भी उस तरह से ही होता है वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद सेम स्पीड लेट एस सी वेज ऑफ कंट्रोल ओवर एयर सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन विद्प ऑफ माइक्रोब्स तो पहले भी ये वाले कर रहे, साथ ही साथ हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है तो पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल वहां पर हम कैसे कर रहे हैं हैव नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग यही बात मैंने आपको पहले बताई कि वो उनके अंदर नेचुरल चीज ही है भगवान ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए क्यों वो नेचुरल ही उनका काम है डीकम्पोज करना

सम माइक्रोब्स रिमूव सल्फर फ्रॉम फ्यूल्स कुछ क्या करते हैं सल्फर निकाल देते हैं फ्यूल से मेटल्स लाइक कॉपर आयन यूरेनियम जिंक एक्सेट्रा लीच इन टू एनवायरमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटेलॉइड तो ये सारे जो कॉपर आयन यूरेनियम जिंक ये सब हमारे एनवायरमेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहीं ना कहीं मेटेलॉइड से जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर सकते

ये दो तरह के हम लोग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं हमें हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल अकर्स इन ओशन तो ये आपको पता ही होगा ऑयल स्पिल हो जाता है यानी ओशन में ऑयल टैंक ओपन हो जाता है और वो पूरा लाइक लीक हो जाता है किसी ना किसी तरह से जिससे वगैरह को प्रॉब्लम हो जाती है तो to पानी के जीव जंतुओं को उनको प्रॉब्लम हो जाएगी टॉक्सिक होगा उनको फेटल होगा जानलेवा होगा इट इज नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर और पानी और ऑयल को अलग करना बहुत मुश्किल है मैकेनिकली हावेवर कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरिया लाइक सुडोमोनस एसपीपी तो एसपीपी का मतलब होता है मल्टी जिसके बहुत सारे स्पीशीज है मल्टीपल स्पीशीज जिसके मौजूद है उसको एसपीपी मतलब ये नाम दिया जाता है मल्टीपल जिसके स्पीशीज मौजूद है तो ये थोड़ा एसपीपी उसको ऐसा बोलते हैं ठीक है थेके? तो सुडोमोनस सूडोमोनस नाम का बैक्टीरिया एंड एल्केनोवर ये अगेन बहुत ही भारी सा नाम एल्के बहुत ही अजीब सा नाम इसका ओके ये देखिए फोटो भी दिया है देखिए कितना 200 नैनोमीटर इसका साइज है बहुत ही छोटा होता है 200 हंड्रेड हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द पायराइड एंड अदर केमिकल्स तो अलग अलग जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो डिस्ट्रॉय करने में ही हेल्प करते हैं पायराइड क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के टाइम ही हमने शायद से ये पढ़ा था ओके सो so, ये सब जो केमिकली सब्सटेंस है ऑयल वगैरह उसको नष्ट करने के लिए ये लोग काम आते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर आर टू क्लियर क्लियर द ऑयल ऑयल स्पिल्स स्पिल्स ये को कर देते पूरी तरह से कॉल्ड हाइड्रोकार्बोनो क्लैस्टिक बैक्टीरिया तो इनका नाम क्या है एच सी बी तो इनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को ये बेसिकली लाइक like तरह से नष्ट कर रहे हैं तो इनको नाम दे दिया हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया एच सी बी डीकोज द हाइड्रोकार्बन अब भी मैंने आपको बोला क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन को नष्ट कर रहे हैं शायद से इसलिए उनका नाम ये दिया होगा एंड ब्रिंग आउट द रियक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन सीओ टू एंड वॉटर इज फॉर्म तो हाइड्रोकार्बन को नष्ट करते वक्त ये क्या फॉर्म करते है ये हम लोग ने कार्बन कंपाउंड में इतनी बार देखा था सीओ टू फॉर्म हो रहा है एंड वाटर फॉर्म हो रहा है तो पानी पानी में मिक्स हो जाता है सीओ टू वापस से एयर में मिक्स हो जाता है तो ये बेसिकली पूरा हमें इतना हेल्प करता है ऑयल स्पिल्स को रोक लेता है नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस पीईटी तो हमने ये भी देखा था नीचे के लास्ट में जो टेबल में दिया था कार्बन कंपाउंड में अलग अलग टाइप ऑफ पॉलिथिन दिए थे तो ये ये इससे प्लास्टिक की बॉटल्स बनती है नाउ डेज मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्पीशीज लाइक विब्रियो इडियोनेला सकाइनेसिस डीपोज पीटी तो हमने अब एक अच्छा सा तरीका ढूंढ लिया कि प्लास्टिक से प्लास्टिक हमारे एनवाइरमेंट का इतना बड़ा इश्यू हो चुका है जो जो जिसके ये ये एग्जाम्पल्स हो गए नाम ये आप लिख लीजिएगा अगेन विब्रियो अजीब सा नाम है ये लेकिन सिंपल है ये वाला इडियो इडियोनेलाइडोन नेल, का नाम मैं सही बोल रहा हूँ सकाई िस सकाइनेसिस तो ये बैक्टीरिया के नाम है जो जो क्या करते हैं जो प्लास्टिक को खत्म कर सकते हैं ओके सिमिलरली स्पीशीज ऑफ फंगाई लाइक एक्टिनोमाइसाइट्स एक्टिनोमाइसाइट स्ट्रेप्टोमाइस नोकैरिया हैव एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग रबर फ्रॉम गार्बेज तो ये रबर को खत्म करने वाले ये फंगाई के नाम भी आप लिख दीजिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस तो हम स्टार्टिंग से ही देखते आ है रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस के नाम ओके, okay? सो so, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम हमें हमारा एनवायरमेंटल क्लीन रखने के लिए भी काम आते हैं सल्फरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन एंड मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस। यू नो दैट इरोजन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन स्टैच्यूज ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स अकर्स ड्यू टू इट सल्फरिक एसिड इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफिलियम एसपीपी dot and acidobacillus peroxidans hence these bacteria can control the soil pollution occurring due to acid rain to तो क्या बोल रहे हैं देखिए, अब दो बैक्टीरिया अगेन फिर से एसपीपी यानी मल्टीपल उसके अलग अलग एसिडोफिलियम हमने ऊपर भी नाम देखा था यानी जो एसिड लविंग होते हैं राइट जो एसिड से काम करते हैं यहाँ पे कौन सा एसिड के साथ ये काम करने वाले सल्फरिक एसिड को खाने वाले ठीक है तो एसिड लविंग बैक्टीरिया जिसके बहुत सारे स्पीशीज है और एसिडो बेसिलस ये जो दो टाइप के बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं ये सल्फर को खा जाते हैं इनका सोर्स क्या है सल्फर है और ये सल्फर हमें पता है कि हमारे एसिड रेन में मौजूद है और ये सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड हमें हमारे बहुत सारी चीजों में मिक्स हो जाता है जो कहां से आता है स्टैचूज में है, सल्फर होगा ब्रिज में होगा तो ये अलग अलग मेटल्स के साथ मिक्स होकर हमारे सॉइल को गंदा ना करे लैंड को गंदा ना करे वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग एसिडोफिलियम एसपीपी एंड एसिडो फेरोक्सीडेंस इस्तेमाल करते हैं अब रहा सवाल कि सर ये कैसे करेंगे बारिश तो गिर जाएगी तो हम बीच में क्या खड़े रह के ये बैक्टीरिया स्प्रे करेंगे क्या नहीं हम लोग क्या करते ये स्टैचूज ब्रिजेस बिल्डिंग मेटल वाली जितनी भी चीजें हैं जो पहले से ही हम वहां पर ये इस्तेमाल कर देते हैं पहले से ही हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं उनको लाइक जब बना रहे थे तब पेंट कर दिया या जो भी जिस तरह से उसको यूज कर सकते हमने उसको यूज कर दिया सॉइल पे छिड़क के रख दिया तो ये अलग अलग तरीके हैं इसको यूज करने के ओके फार्मिंग में हमने फर्टिलाइजर्स लाइक हमें पेस्टिसाइड वगैरह मिक्स करनी थी तब हमने ये पहले ही मिक्स कर दिया तो इस तरह से हम हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं सल्फर सल्फरिक एसिड को लाइक Uh, uh, हमें डैमेज ना कर सके उसको खत्म करने के लिए वॉटर सोल्यूबल सॉइल ऑफ यूरानियम आर प्रेजेंट इन द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन एफिलेंट रिलीज इन एनवायरमेंट फ्रॉम द एटोमिक एनर्जी प्लांट ट दिस सोल्स ऑफ यूरियम इंटू इन सोल्टिट सॉल्ट्रॉम सोर्सेसर पढ़ा था जिसके अंदर इसके ऊपर हमने देखा था न्यूक्लियर पावर प्लांट एटमिक एनर्जी के टाइमियम हम लोग बार बार हमने एक ट्रीटमेंट uh, uh, आपको बता रहा था उसको रिलीज करने के लिए और वेस्ट रिलीज करने ट्रीटमेंट वाला एक ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है तो ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या करते हैं वो आज हम अभी यहाँ पे देखेंगे तो ट्रीटमेंट प्रोसेस में वो लोग क्या करते हैं वो लोग जियो बैक्टर करके एक बैक्टीरिया है वो इस्तेमाल करते हैं जियो बहुत ही सिंपल सा नाम है जियो बैक्टर नाम का बैक्टीरिया इस्तेमाल करते जो क्या करता है वो यूरेनियम का जो भी वेस्ट आता है उसके सॉल्ट को वो कन्वर्ट कर देता है इन इन इंटू इनसोल्यूबल सॉल्ट में और बाद में हम उसको अलग कर सकते हैं और बाद में हम लोग क्लियर लाइक अच्छा वाटर सोर्स में वापस से वो हम डाल देंगे तो वो ग्राउंड वाटर सोर्स में मिक्स नहीं होगा एंड हमें प्रॉब्लम नहीं होगी माइक्रोबियल इनोक्यूल तो इनोक्यूलेंट हम लोग ऊपर ही देख चुके थे यानी जो भी चीज हम ऐड करते हैं तो ये हम लोग सारी ही चीज एक तरह से हम लोग सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अब तक क्या करते आए हम लोग ऐड करते आ रहे तो सारे के सारे इनोक्यूलेंट्स ही हो जाते हैं सबके सब इनोक्यूलेंट्स सब ही है ओके तो ये अब हम पहले ऐड कर रहे हैं एज अ वैक्सीन वैक्सीन एक तरह से इनोक्यूलेंट को आप समझ लो हमारा डैमेज होने से पहले ऊपर हमने सल्फर का डैमेज होने से पहले हम लोग स्प्रे कर रहे थे लाइक हमारे ब्रिजेस या स्टैचूज में लगा रहे थे हम लोग उसको राइट तो वो पहले प्रिकॉशन ले रहे तो वैक्सीन का काम जैसा कर रहा तो उसे इनोक्यूलेंट्स कहा जाता है पहले हमने कर दिया इंट्रोड्यूस उसे सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोक्यूलेंट्स आर प्रोड्यूस बाई प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशन दीज इनोकेंट्स आर स्प्रेड ऑन सीड्स बिफोर सोइंग तो देखो अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं

mixed with soil due to use of chemical pesticides in agriculture, these prove to be harmful to other plants and animals as well as cause skin diseases to human. These pesticides in the soil can be destroyed with the help of microbes. So तो हमने देखा कि अलग-अलग fertilizers chemicals वाले जो होते हैं pesticides जो होते हैं उसकी वजह से हमारे plants को बोलो या हमें खुद को भी हमें and animals को भी नुकसान पहुंचता है. तो उसको खत्म करने के लिए हमलोग microbes का इस्तेमाल करते हैं. बायो इंसेक्टिसाइड्स तो ये बायो इंसेक्टिसाइड्स नाम से ही आप गैस कर सकते हो अगेन कि इंसेक्ट्स से बचाने के लिए हम लोग प्लांट्स के ऊपर क्या डालते हैं इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं लेकिन वो इंसेक्टिसाइड से हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है प्लांट भी डैमेज हो सकता है तो हमने बायो यानी कि हमारे लिए इको फ्रेंडली की सिंपल भाषा में हमारे लिए ये फायदेमंद है लेकिन इंसेक्ट्स के लिए ये फायदेमंद नहीं है उनको वो डैमेज कर उनको वो मार देगा या उनको वो खाने ही नहीं देगा राइट दैट इज बायो इंसेक्टिस बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स विच कैन डिस्ट्रॉय बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इन डू प्लांट विदेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग सीधा डायरेक्ट प्लांट के ऊपर ही हम लोग ये सब स्प्रे कर सकते हैं ताकि उसके पेस्ट और पैथोजिन मर जाए बींग टॉक्सिक टू इंसेक्ट दे डो नॉट कंज्यूम द प्लांट और इंसेक्ट के लिए ये जान लेवाए तो वो लोग वो खाएंगे नहीं जैसे कि आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो कैटरपलियर लीफ खा रहा है तो लीव खा जाएगा तो उसके न्यूट्रिशन खा जाएगा प्लांट पूरा बर्बाद हो जाएगा हमारा। bacteria, तो जैसे होता है, वैसे भी कुछ यूज होते हैं कुछ कुछ वायरसेस भी इस्तेमाल होते हैं स्पिनोसाइड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज पेस्टिसाइड तो एक नाम दिया है तो पेस्टिसाइड का नाम याद रखिएगा स्पाइनो बोलेंगे या स्पिनो बोलेंगे आई डोंट नो

एंड uh, जितना हो सके मैंने आपको सिंपल uh, वे में इसको समझाने की कोशिश की है आई होप आपको अच्छा लगा होगा आई होप आप इसे uh, अच्छे से चैप्टर रीड करेंगे आप आपने हर एक चीज मैंने आपको लिखने जो बोली आपने लिखी होगी एंड इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे कमेंट्स में मुझे आपके व्यूज बताइए कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को थैंक यू सो मच बाय टेक केयर